चलिए बहुत बढ़िया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए, स्टेबली बैठ जाइए, कोई भी ऐसा लेट के इस तरह से मीटिंग को ना अटेंड करे प्लीज। तो और स्टेबली बैठ के एक जगह इत्मीनान से डायरी पेन के साथ शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अब जो ये जूम मीटिंग में आज के जो हमारे वक्ता है, जो ट्रेनर है, जिनके माध्यम से हम सीखने वाले हैं, वो हम सभी के दिलों पे राज करते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका सफर आईएमसी बिजनेस में कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ और उन्होंने इतिहास रच दिया, हम सभी के चहीते हैं। वो कहलाते हैं लखपति क्लब मेंबर, मिलियनेयर क्लब मेंबर, साथ में करोड़पति क्लब मेंबर। फ्रेंड्स, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने साउथ में आईएमसी बिजनेस को सबसे पहले स्टार्ट किया और आज आप साउथ की अचीवमेंट देख सकते हैं। तो आईएमसी के ऑफिशियल ट्रेनर भी हैं, प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी है, साथ में एक सफल नेटवर्कर भी है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं उनको सुनने के लिए? अंगूठा दिखा सकते हैं? ग्रेट, ओके। तो जब मैं उनको इनवाइट करूं तो आप सबकी तालियां इतनी जोरदार होनी चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि यार मैं वाकई ही सेमिनार ले रहा हूं और वहां पे तालियों की गूंज, गड़गड़ाहट, पूरा हिंदुस्तान जोर जोर से तालियों से उनका स्वागत कर रहा है और उनको आमंत्रित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए उस पर्सनैलिटी, उस शख्स, उस डायनामिक लीडर, एक सफल नेटवर्कर, हम सबके दिलों पे राज करने वाली पर्सनैलिटी को इनवाइट करते हैं। और जब मैं उनका नाम लूं तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ठीक बात है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के जो जूम ट्रेनर हैं, प्रेसिडेंट स्टार फ्रॉम हैदराबाद, कोई और नहीं, हम सभी के दिलों पे राज करने वाली पर्सनैलिटी, आदरणीय डॉक्टर अख्तर खानवाला जी को एक बार जोरदार तालियां फ्रेंड, जोरदार, जबरदस्त तालियों की आवाज ले आई है। और जोरदार, लाउड हो सकता है, और जोरदार हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आफरीन, थैंक यू फॉर, ओवर टू अख्तर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक बार आफरीन जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक जोरदार तालियां। और दिस वंडरफुल डायनामिक टॉप अर्नर फीमेल मैन, ओके, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आफरीन। यस, गुड एमसी, गुड एमसी, सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार, आपके परिजन, आपके करीबी सभी लोग इस लॉकडाउन के समय सभी लोग घर में रह के अपनी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज 1 बजे आदरणीय सत्यन भाटिया जी का एक फेसबुक था, फेसबुक लाइव था और उन्होंने कई सारी चीजें आज हमें बताई है कंपनी रिलेटेड। सो कितने लोग फेसबुक लाइव देख रहे थे? बहुत सारे लोग थे, यस, वेरी गुड। सो आप सभी ने आज फेसबुक में देखा होगा कि कंपनी के मिलियनर क्लब अनाउंस किया गया, कंपनी के जो लखपति थे वो अनाउंस किए गए, कंपनी के करोड़पति क्लब अचीवर्स अनाउंस किए गए, आरएबी अनाउंस किया गया। तो साथियों, हमारी टीम फ्रीडम की जो भी लीडरशिप है, हमारी यही पहल रहती है, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हमारी टीम के सभी नेटवर्कर्स को, सभी लीडर्स को, सभी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अचीवमेंट्स दिलवा सके, उनको अपने जीवन में, अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सके, यही हमारी हमेशा से कोशिश रही है। और इसी कोशिश के चलते हमने ये जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है और हमारा मानना है कि जितने भी लोग सीखते रहेंगे इस जूम मीटिंग के द्वारा, वो आने वाले 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग मिलियनर क्लब, करोड़पति क्लब, लखपति क्लब में शामिल हो सकेंगे और अपना नाम अर्जित कर पाएंगे टॉप अर्नर्स की श्रेणी में। मैं आप सबका तहे दिल से फिर से शुक्रिया देता हूं कि जो आज हमारी टीम के सबसे बड़े लीडर है प्रेम जी, उन्होंने आज कोहिनूर का खिताब हासिल किया है। तो
तो ये जो कोहिनूर का खिताब है ये सिर्फ प्रेम जी का नहीं है, ये पूरी हमारी जो टीम फ्रीडम है उनके लिए है ये एक अचीवमेंट। तो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां कि यस ये किताब आपको आपकी मेहनत के बदौलत, आपके प्रयास के चलते, आपके धैर्य और हौसले के चलते आप सभी को मिला है। और आने वाले समय में मैं पूरी उम्मीद, मेरी उम्मीद है, मेरी उम्मीद नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोग कोहिनूर लेवल को हासिल करेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी ट्रेनिंग जो है वो करीब करीब एक डेढ़ घंटा चलेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग ने अपना पेन पेपर लेके बैठे होंगे, और जो पॉइंट्स मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं ये पॉइंट्स सिर्फ अपने तक ना रखते हुए हैं, आपने मुझे वादा करना है कि नेक्स्ट 24 to 48 hours 24 से 48 घंटे में आपने ये पॉइंट्स अपनी टीम तक पहुंचाने हैं, अपने लोगों तक इस पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने हैं, अपने शब्दों में अपने तरीके से पहुंचाने हैं, ताकि वो भी जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं वो भी सूचित हो, वो भी सक्षम हो जाए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। साथियों आज के समय में, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आज के समय में हमें कैसे बिजनेस कर सकते हैं, और खास करके उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए अभी जुड़े हैं बिजनेस में, जो 10-20-25% की लेवल पे हैं, 30% की लेवल पे हैं, ज्यादा अनुभव नहीं है उनको बिजनेस का, और बस शुरुआत की ही थी, 1-2 महीने हुए ही थे बिजनेस में और अचानक से लॉकडाउन आ गया, तो बहुत उत्साह के साथ जुड़े होंगे, बहुत उमंगों के साथ जुड़े होंगे, लेकिन हुआ ये कि ये लॉकडाउन के चलते वो उनके सारे सपनों पे पानी सा फिर गया होगा ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपके साथ में जो कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ उससे ये सारे जितने भी हमारे नए एसोसिएट्स हैं उनको एक आशा की किरण नजर आएगी, उनको एक रास्ता दिखेगा कि कैसे वो इस लॉकडाउन के समय में भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अपना हाथ खड़ा करके दिखाएंगे। ओके राइट, सी देखिए ये एक एक तरीके से मोनोलॉग ही है, मैं ही बात कर रहा हूं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर हम लोग इसको टू वे कॉन्वर्जेशन रखें। अब आपकी बात तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम आप मुझे हाथ दिखा के या कुछ जेस्चर्स दिखा के ये बता सकते हैं कि हाँ जी आप भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी प्रेजेंस को अंकित करें, जब भी मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो प्लीज बढ़ चढ़ के अपने आप को शामिल करें। राइट, तो हमारे बीच अभी फिलहाल अभी करीब करीब 380 लोग जुड़ चुके हैं इस मीटिंग में, करीब करीब 380 लोग पूरे भारतवर्ष से जुड़ चुके हैं, और काफी अच्छी बात है कि इतने सारे, इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राइट, तो साथियों बिना विलंब किए मैं आज के पॉइंट्स पे फटाफट आता हूं। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए सिरे से बिजनेस में जुड़े हैं और वो अभी अपने आप को टोटली एक ऐसे पड़ाव पे पा रहे हैं जहां पे उनको पता ही नहीं कि क्या करना है अभी, मतलब दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। भाई आईएमसी में जुड़ तो गया मैं, लेकिन अब करूं क्या, लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते हैं, लोगों से मिलने दूर दूर नहीं जा सकते हैं, तो क्या करूं मैं। तो साथियों मैंने आज की जो पीपीटी बनाई है उसके माध्यम से मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। ओके, तो आज की जो सबसे पहली पीपीटी है ये उन सभी लोगों के लिए, सभी के लिए जो 10%, 20%, 25%, 30% अभी जस्ट शुरुआत हुई है, जिसकी जो
महीना भर पहले जुड़े हैं, 2 महीना पहले जुड़े हैं, कुछ काम नहीं कर पाए हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो सुपरस्टार है, सिल्वर है, गोल्ड है, बड़े लेवल्स पे है, उन सबके लिए है। आज हमारे पास लॉकडाउन के समय में करने का क्या है, करना क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी स्क्रीन या आपकी स्क्रीन पे अगर पीपीटी चलती दिख रही हो तो अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि यस आप देख पा रहे हैं, राइट। तो साथियों आप देख सकते हैं यहां पे हमने लिखा है सर्विंग एंड सेविंग लाइव्स, सर्विंग एंड सेविंग लाइव्स। अभी के समय में हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारी मेन वर्किंग पैटर्न क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे कि सर्विंग एंड सेविंग लाइव्स, जो लोगों को मदद करना और लोगों की जान बचाना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए अभी फिलहाल सबसे पहली। तो एक एक जो अल्फाबेट है उसके अंदर बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है, और ये खत्म होते होते आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें करना क्या है, ठीक बात है। तो सबसे पहले जो एस है, एस अल्फाबेट, वो हमें क्या संदेश दे रहा है, उसमें क्या अर्थ है। तो एस से आता है स्टे एट होम, घर पे रहना है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई कोरोना से अगर आपको लड़ना है लॉकडाउन के समय में आपको घर में ही रहना है। तो हमने घर में ही रहते हुए किस प्रकार से हमारे बिजनेस को कर सकते हैं उसके ऊपर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन एस का सबसे पहला जो अर्थ है वो स्टे एट होम, घर पे रहिए, बाहर कहीं मत जाइए। मतलब बाहर कहीं नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अपने घर के दहलीज के बाहर ही कदम मत रखिए, इसका मतलब ये नहीं। बाहर मतलब कि क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोगों इकट्ठा हो रहे हैं, वहां नहीं जाना है। रिलीजियस प्लेसेस में मत जाइए बहुत ज्यादा, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। तो स्टे एट होम का मतलब ये है कि बहुत भीड़ भाड़ी वाली जगहों पे नहीं जाना है, ठीक है। ई, ईट न्यूट्रिशियस फूड, घर पे रहिए और अच्छा पौष्टिक खाना या आहार लीजिए। पौष्टिक खाने में जो भी आपके फल फूल है, जो भी खाना खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सारी चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वो लीजिए। साथ में आईएमसी के प्रोडक्ट्स लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, डेली डाइट लीजिए, तुलसी लीजिए, हल्दी लीजिए, ये सारी चीजें आपने डेली सेवन करना है। संजीवनी रस लीजिए, हिमालयन बेरी पीजिए, जो जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है वो प्रोडक्ट्स का सेवन कीजिए और अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए। आर, रेस्ट वेल, अच्छे तरीके से अपने शरीर को रेस्ट दीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेस में हैं, बहुत सोच रहे हैं फाइनेंसेस के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, परिवार के भविष्य के बारे में, ऑलरेडी माइंड जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। भले ही हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा हम लोग अभी आंदोलित है, हम लोग गुस्से में है, हम लोग कंफ्यूज्ड है, बहुत सारी चीजें चल रही है। एंड आई होप ये सब सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ हो रहा है, और ये लाजमी है क्योंकि हम लोग इंसान है, और इंसान ऐसी स्थिति में जब अनप्रिपेयर्ड रहता है तो ये सारी चीजें होना लाजमी है। किसी को पता नहीं था कि कोरोना आने वाला है, कोई रेडी नहीं था ना, प्रिपेयर्ड नहीं था, और ऐसा लॉकडाउन होगा। हमको 21 दिन बोला गया, अब मेरा मानना है, मैं जो न्यूज में देख रहा हूँ कई जगहों पे अभी 30 अप्रैल तक चले गया है, तो हो सकता है ये सभी राज्यों में हो जाए। तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे ये सारी चीजों से, ना हमारा घर का राशन भरा हुआ था, ना हमारे पास में जो डेली यूज करने के सामान थे वो थे, ना हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हम लोग एक खट्टे एक साथ 30-35 दिन 40 दिन घर में बैठेंगे। नो वन वॉज प्रिपेयर्ड, और आज देखिए कि हमें ये बैठना पड़ रहा है। तो माइंड जो है बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा आंदोलित है, तो उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है, आराम करना बहुत जरूरी है, तो अच्छा रेस्ट कीजिए।
ठीक बात है। रेस्ट करके, रेस्ट करते समय वी से अपना फ्यूचर भी विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज योर फ्यूचर। एक बार सोचिए कि आने वाले समय में मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी कैसे होने वाली है। विजुअलाइज कीजिए एक बार कि ऐसे कठिन समय में अगर ये समय और भी 2-3 महीना चला या 6 महीना चला तो मेरा, मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा, मेरे करीबियों का भविष्य क्या होगा, इस समाज का, इस सोसाइटी का भविष्य क्या होगा, ये सोचना जरूरी है। सोचिए थोड़ी सी, मैं आपको डीपली बात बता रहा हूं, तभी आप ये पूरी स्लाइड का जो महत्व है वो समझ पाएंगे, अर्थ समझ पाएंगे। क्या आपको लगता नहीं कि आज हमको कल के बारे में सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए? किसी ने सोचा था कि ऐसी इतनी बड़ी महामारी, इतना बड़ा संकट पूरे विश्व पे आ जाएगा, जहां पे पूरी सारी जो व्यवस्था है चरमरा जाएगी, बड़े बड़े सुपर पावर्स जो है, जो बड़े बड़े हेल्थ क्षेत्र में जो बड़ा काम कर चुकी है, यूएस जैसी, इटली जैसी, पूरी यूरोपियन कंट्रीज नेस्त तो नाबूद हो जा रही है, लोग मरे जा रहे हैं, किसी ने कभी भी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में कभी भी अपने सपने में सोचा था कि ऐसा होने वाला है? इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, पूरा वर्ल्ड जो है इतना तरक्की कर रहा है, लेकिन आज हम कोरोना जैसे ना दिखने वाले वायरस के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं। तो क्या आज हमें हमारे भविष्य के बारे में देखना नहीं चाहिए कि आने वाला भविष्य क्या हो सकता है? सोचिए एक बार, सोचिए एक बार कि जो व्यवस्था से आज आप जुड़े हैं, जिस तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी आमदनी आ रही है, अगर यही व्यवस्था में जुड़े रहे, अगर यही काम करते रहे, अगर ऐसे ही आपको पैसे आते रहे, तो वो आमदनी आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए पूरी पड़ेगी? सोच के देखिए, विजुअलाइज कीजिए अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, अपना बुढ़ापा विजुअलाइज कीजिए एक बार। सोच के देखिए कि यार 6 महीने कैसे कटेंगे अगर लॉकडाउन रहा तो। अरे मैं कहता हूं कि अगर 2 महीना भी लॉकडाउन रहा ना, तो आने वाले 4 महीना और लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, डर के मारे, दहशत के मारे। और आपको मैं बता दूं, जो अभी फिलहाल जो स्थिति है, बड़े बड़े देश ने घुटने टेक दिए हैं, उनके पास में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, खत्म हो चुके हैं देश। सोचिए हमारे साथ क्या हो सकता है, खाली सोचना है, विजुअलाइज कीजिए, देखिए एक बार, जाइए एक बार भविष्य के अंदर, अपने आप को लेके जाइए कि क्या मेरा भविष्य हो सकता है। आज ये चिंता की बात नहीं है, चिंतन की बात है। चिंता मत करो, ईश्वर है, सब ठीक करेगा, लेकिन सोचिए बस खाली कि क्या होगा मेरा फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, आई, कॉमन सेंस लगाइए, इंप्लीमेंट कॉमन सेंस। विजुअलाइज करते करते अपना कॉमन सेंस लगाइए कि एक दिहाड़ी मजदूर जो दिन काम करके पैसा, रोजी रोटी कमाता था, वो तो बर्बाद हो गया है। जो व्यक्ति एक दुकान चला रहा था, वो बर्बाद हो गया, दुकानें बंद है, FMCG के अलावा, डेली यूटिलिटीज के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है, दूध के पैकेट के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है मार्केट में, चिकन मटन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा मार्केट में, मतलब जो खाने पीने की, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो एक इंसान को भूख मिटाने के लिए, अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, पेट भरने के लिए जो चीजें है, वही चालू है। बाकी सारी चीजें, बड़े बड़े बिजनेसेस ठप हो गए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है, जो बड़ी बड़ी टॉप इंडस्ट्रीज जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, वो खत्म हो चुकी है। कॉमन सेंस लगाइए कि ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई है, मात्र 21 दिन के लॉकडाउन के अंदर
अगर ये लॉकडाउन अगले 21 दिन चल गया तो क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, और कॉमन सेंस यहां पे भी लगाओ कि कौन सी चीजें अभी भी खुली हुई है जिनके ऊपर बहुत भारी कोई असर नहीं हुआ है। FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, लोगों ने खाना बनाना बंद नहीं किया, उनको तेल चाहिए, चाय पीना बंद नहीं किया, उनको चाय पत्ती चाहिए, नहाना बंद नहीं किया, उनको नहाने के लिए साबुन चाहिए, मंजन करना बंद नहीं किया, उनको पेस्ट चाहिए, उन्होंने अपने घर को साफ करना, पोछा मारना बंद नहीं किया, उनको फिनाइल चाहिए, अपनी टॉयलेट्स क्लीन करना बंद नहीं किया, उनको टॉयलेट क्लीनर चाहिए, उन्होंने पूजा पाठ करना बंद नहीं किया, उनको अगरबत्ती चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए उनको। कॉमन सेंस लगाइए कि इतनी आपदा वाली घड़ी में भी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? चल रही है FMCG चल रही है। और आप शुक्र मनाइए, ईश्वर को आप धन्यवाद दीजिए कि आप IMC में हो और IMC हमारी FMCG प्रोडक्ट्स का वितरण करती है। कॉमन सेंस लगाओ आप कि यस, मैं एक सही जगह पे हूं आज, ये सारे मसाले, ये सारे तेल, चाय पत्ती, पेस्ट, नहाने के साबुन, शैम्पू, ये सारी चीजें जो मार्केट में बिक रही है उसी को गवर्नमेंट ने अनुमति दी है दुकानें खोलने की, और वही चीज आप कर रहे हो। वो दुकानें खोलने की अनुमति दी है 4 घंटे 6 घंटे, आपको गवर्नमेंट ने कोई भी आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं लगाई है। 24 घंटे आपकी दुकान खुली है क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एक इंडिपेंडेंट ओनर हो, 24 घंटे आप अपना काम कर सकते हो। अक्टर खानी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग से कि अपना माइक्रोफोन प्लीज अनम्यूट ना करें, म्यूट पर रहन दीजिए ताकि बिना डिस्टर्बेंस मेरी आवाज और मेरा प्रेजेंटेशन आप सुन पाए। तो साथियों, कॉमन सेंस की बात यही है कि आज हम लोग ऐसी कंडीशन में भी हमारे बिजनेस के ऊपर लॉकडाउन का बड़ा असर नहीं हुआ है, और आने वाले समय में भी हमारे बिजनेस पे असर नहीं होने वाला है, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी के जो फैक्ट्रीज है उसको अनुमति मिल गई है, हमारी कंपनी के वेयरहाउस को अनुमति मिल गई है काम करने के लिए, हमारी जितने भी बड़े बड़े SDs हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनको खोलने के लिए अनुमति मिल गई है, अपनी अपनी लेवल पे जो आउटलेट्स है और TDs है वो लोग भी परमिशन ले रहे हैं। तो आज हमारे बिजनेस को रोकने के लिए कोई प्रशासन, कोई पुलिस वाला, कोई भी अथॉरिटी मना नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग कौन से बिजनेस में है? FMCG प्रोडक्ट्स, डेली यूज प्रोडक्ट्स में है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो अभी फिलहाल एक इंडस्ट्री चल रही है वो है हेल्थ इंडस्ट्री। लोग घबराए हुए हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, लोग परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेके, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। तो आज आपके पास एक अवसर है लोगों को सर्व करने का और उनकी जान बचाने का। आपके पास में वो प्रोडक्ट्स है जो लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, जो लोगों की बीमारियां दूर कर सकते हैं। आज आप वो इंडस्ट्री में हैं, आपके पास में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। साथियों, कॉमन सेंस लगाइए। आगे बढ़ते हैं। एन हमें क्या बताता है? नीड फॉर ऑप्शन। सोचिए, आप जब कॉमन सेंस लगा रहे हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो, अगर आप जॉब में हैं
अगर आप बिजनेस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब बुरी बात है या बिजनेस बुरा है, जो भी आप ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल जो भी आप कर रहे हैं उसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या आपको आज अपने कॉमन सेंस से सोचने के बाद ये नहीं लगता कि आपके पास में एक ऑप्शन होना चाहिए कि खाली एक एक कमाने का स्रोत अगर आपके पास में है तो वो काफी नहीं है? आपके पास में एक कमाने का स्रोत है तो वो काफी नहीं है? जस्ट गिव मी सम टाइम, एक टेक्निकल इशू हुआ है, जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके सॉरी। सो आपके पास में एक ऑप्शन होना चाहिए कि जो भी आप धंधे में हो, जॉब में हो, तो आपके पास दूसरा एक स्रोत होना चाहिए अपनी आय को लगातार बनाए रखने का। जो मुझे न्यूज मिल रही है, जो मैं व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक में या अलग अलग माध्यम से जो न्यूज आ रही है, वहां पे ये दिख रहा है कि भाई लोगों को अभी जॉब से निकाला जा रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बंद हो रहे हैं, उनके पास में काम नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बंद हो चुकी है, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, लोगों के पास काम नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हो गई है, और जिनको अगर पगार दे भी जा रही है, अगर आप जॉब इंडस्ट्री में अगर आपको पगार भी मिल रही है तो 30-40% 50-60-70% आपको कटौती करके आपके पास खाली रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए आपको ये पगार दी जा रही है। तो आपको एक सेकेंड ऑप्शन आपके पास में होना जरूरी है। कॉमन सेंस लगा के सोचिए, ठंडे दिमाग से, जब आप शांति से रेस्ट कर रहे होंगे, आप आराम कर रहे होंगे, अपना भविष्य को विजुअलाइज कीजिए और कॉमन सेंस लगाइए कि क्या मुझे ऑप्शन की जरूरत है कि नहीं। मुझे नहीं पता आपको कितना समय हुआ है आईएमसी के अंदर, मुझे नहीं पता कि आप महीने भर पहले जुड़े हो या साल भर पहले जुड़े हो, मुझे नहीं पता कि आप 2 साल पहले जुड़े थे लेकिन आप जो है राम भरोसे चल रहे थे, अपलाइन भरोसे चल रहे थे, आज नहीं बाद में करूंगा, बाद में नहीं 6 महीने बाद करूंगा, उसके बाद करूंगा, मुझे नहीं पता आप कौन सी उलझनों में फंसे हुए थे, लेकिन आज ठंडे दिमाग से आराम करते हुए, अच्छा खाना खाते खाते कॉमन सेंस लगा के सोचना एक बार कि क्या आपको सेकंड ऑप्शन, दूसरी आय का स्रोत को डेवलप करने की जरूरत है कि नहीं है। सोच के देखिए, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगला जो अल्फाबेट है वो है, अगर आपको आपके दिल से ये प्रश्नों का जवाब मिल रहा है कि मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है, अगर सिंगल आई सिंगल मेरी आय का स्रोत है, अगर मैं सिर्फ अपने जॉब के भरोसे या मैं सिर्फ अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के भरोसे बैठूंगा तो मेरा काम नहीं चलने वाला, मेरा परिवार का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है, तो जी से आता है गेट अप नाउ, उठ जाइए, ये गफलती की जो नींद है उसमें से जग जाइए, उठ जाइए। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमको हेल्प करेगी, भाई साहब आज गवर्नमेंट भी हताश है, गवर्नमेंट हमसे ही हेल्प मांग रही है, समझ रहे हैं बात को, कोई किसी की हेल्प के लिए नहीं आने वाला है, हमको हमारी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, अब उठना पड़ेगा, अब जगना पड़ेगा, अब तो जगना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर से वो आवाज आ गई है कि नहीं मुझे ऑप्शन चाहिए, मुझे मेरे पास में एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, तो आपको अब खड़े होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा,
आईएमसी के साथ में जुड़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप खाली आईएमसी में डाल के जुड़े हो, दिल और दिमाग से नहीं जुड़े हो, तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज से दिल से और दिमाग से जुड़ जाओ बॉस। आपने आईडी डाल के तो जुड़ गए होंगे, पैन कार्ड आधार कार्ड देके जुड़ गए होंगे 6 महीने साल भर पहले, कुछ काम नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज ये समय है आपको दिल और दिमाग से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे सेकेंड ऑप्शन चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि घड़ियां जो आने वाले समय है वो बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कॉमन सेंस से सोचने की बात बोल रहा हूं। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे करना क्या है। तो मेरा मानना है, या मानना क्या है, मैं तो ये सोच के चल रहा हूं कि सभी लोग घरों में रह रहे हैं, और कोई बिल्डिंग में रह रहा होगा, कोई इंडिविजुअल हाउस में रह रहा होगा, कोई कॉलोनी में रह रहा होगा, और सभी के कोई जो भी है क्लोज कम्युनिटी होगा, गेटेड कम्युनिटी होगा, जो भी होगा एक एरिया में। तो आपका जहां पे भी घर है वो घर के आजू बाजू, अगर आप बिल्डिंग में है तो ऊपर फ्लैट होंगे, नीचे फ्लैट होंगे, दाएं बाएं फ्लैट होंगे। अगर आप इंडिविजुअल हाउस में रह रहे हो तो आपका ईस्ट में कोई होगा बंदा, वेस्ट में होगा, नॉर्थ में, साउथ में घर होंगे। मतलब एक घर के आजू बाजू कम से कम 4 घर तो मिनिमम होंगे। चार घर में अगर आप अपने पड़ोसियों से भी अगर बात कर लें, मैं नहीं जानता कि आपका पड़ोसी के साथ में कैसा रिलेशन है, मुझे नहीं पता कि आपके उनके साथ में बातचीत का रिलेशन है कि नहीं है, आपका उठना बैठना है कि नहीं पता मुझे, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी समय है आपको आपके नेबर्स के साथ में बात करके उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना। बाहर तो नहीं जा सकते हो, आपके घर से 2-4-6 किलोमीटर दूर तो जा नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, कल डॉक्टर वाजपेयी जी ने एक बात कही थी रिसोर्सेज के बारे में, कि जो आपके पास में रिसोर्सेज है उसको आप यूज कीजिए। तो आपके पास में अभी फिलहाल लोग कौन है रिसोर्स, आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी, तो उनसे बात करना पड़ेगा आपको। क्या करना है, आस्क देम देयर वेल बीइंग, पूछिए उनसे कि कैसे हैं घर में सभी लोग, सब लोग सुरक्षित है कि नहीं, सब लोग स्वस्थ है कि नहीं, जनरल बात कीजिए उनसे। उनको क्या कोई तकलीफ तो नहीं है, उनके घर में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, पता कीजिए। ये एक मौका है आपके अपने और पड़ोसी के साथ में अच्छे संबंध बनाने का, और ये दिखाने का कि हाँ मैं केयर करता हूं तुम्हारे बारे में। और ये जो बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का चल सकता है, उन लोगों का चलेगा जो सामने वाले के लिए अपनी केयर दिखाएंगे। तो अपने पड़ोसी से पता कीजिए कि उनके घर में सब ठीक चल रहा है कि नहीं, सब लोग सुरक्षित है कि नहीं। वी से वैल्यू बिल्डिंग कीजिए। वैल्यू बिल्डिंग का मतलब ये है कि जब आप आपके पड़ोसी से बात करते हैं तो आप ये समय की बात कीजिए जो अभी फिलहाल समय चल रहा है। वैल्यू बिल्डिंग जो होता है, ओवरऑल मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है, कि आपको ये जो समय चल रहा है, ये जो कठिनाई का समय चल रहा है, तो आप बात कर सकते हैं उनसे। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको इमीडिएटली जाके 1-to-1 मिलना है, खाली फोन कीजिए उनको, फोन से बात कर सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी बिल्कुल सामने वाली, मतलब आपके सामने गैलरी में से दिख सकता है, तो उनसे 1-to-1 बात कर सकते हैं आप। अगर वो बहुत थोड़ा सा दूर है जहां पे आपका जाना असंभव है, तो फोन कर सकते हैं। वैल्यू बिल्डिंग कीजिए, क्या भाई साहब शर्मा जी यार ये समय तो बहुत ही बुरा चल रहा है, और हमें सबको एकत्रित होना पड़ेगा, हमको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, हम दूसरे को एक दूसरे को कंधे से कंधा मिला के इस चीज को लड़ना है, ये सब आप बात कर रहे हैं। और शर्मा जी मैं आशा करता हूँ, मेरी तो वैसे आपसे कभी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपके घर में सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। शर्मा जी भी कहेंगे हाँ भाई डॉक्टर अख्तर सही बात है, मेरे घर में सब लोग अच्छे हैं, आपके घर में कैसे हैं। मैंने कहा कि मैं मेरे घर में भी सब ठीक है, मुझे पता चला था कि आप क्या कहते हैं बाहर खूब घूमते हैं शर्मा जी, तो अभी तो आपका काम वाम जो है पूरा ठप हो गया होगा, क्या चल रहा है अभी
हाँ शर्मा जी कहेंगे यार यार बहुत मैं मार्केटिंग में था, मेरा तो काम पूरा ठप हो गया है और अभी फिलहाल कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, सैलरी जो थी वो सब आई और खत्म हो गई। मतलब यू नो जस्ट जनरल कॉन्वर्सेशन, मतलब आप वैल्यू बिल्डिंग कर रहे हैं। फिर आपने वैल्यू बिल्ड की कहाँ पे है? आपको वैल्यू बिल्ड करनी है दो चीजों की, शर्मा जी को मालूम है ऑलरेडी, लेकिन आपको शर्मा जी को दो ही चीज बतानी है। पहली चीज, शर्मा जी इस समय जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके परिवार की स्वास्थ्य, उसके ऊपर बात कीजिए कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे तो पता है शर्मा जी आपके घर में बूढ़े माँ बाप भी है और माँ बाप की आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माँ बाप सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे, वो आपने थोड़ी सी हेल्थ के बारे में बात की। और उसके बाद में आपने दूसरी बात की हल्की फुल्की, कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं। यार शर्मा जी सारे बिजनेसेस ठप हो गए, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई है, लेकिन एक ही यार अपन लोग तो एक ही चीज चल रही है, वो है ये क्या कहते हैं FMCG वगैरह, बाकी तो और कुछ चल ही नहीं रहा है। मतलब व्हाट यू हैव डन इज आपने सबकॉन्शियसली बातों बातों में उसके दिमाग में दो चीज डाल दी है कि भैया हेल्थ बहुत जरूरी है और चल क्या रहा है, FMCG चल रहा है, कंज्यूमरेबल गुड्स ही चल रही है और उसको मालूम है, लेकिन आपने बातों बातों में ये बात कर डाली उससे, मतलब आपने वैल्यू बिल्डिंग की। दूसरी आपने चीज क्या करनी है, आपको उसके दिमाग में हल्का सा ये डालना है कि यार आई केयर अबाउट यू, मुझे चिंता है, मैंने अभी तक आपसे बात नहीं की कभी भी, इतने साल हो गए हम पड़ोसी है, लेकिन आज इस संकट के समय में मैं आपके साथ में हूं और मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प करूं। ये आपको उसको बातों में दबे शब्द में आवाज में कहना है, ठीक है। अब उसके बाद में बात जैसे भी आगे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है शर्मा जी से अगर आप पहली बार मिल रहे हैं या मतलब बात कर रहे हैं तो पता चल ही जाएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो भी आपको पूछेंगे, पूछेंगे आपको शर्मा जी, तभी आपने कहना है कि भाई मैं तो जो है हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ और मेरे पास तो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स वगैरह है और हमारे पास में कुछ तुलसी वगैरह और श्री हल्दी वगैरह है, संजीवनी रस वगैरह है, और इससे जो है ये कोरोना का जो संकट है उसके अंदर काफी काफी लाभ हो सकता है, ये आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म देना है, इन्फॉर्म करना है, राइट। तो ये आप फोन पे भी कर सकते हो, ये आप सामने बात करके भी कर सकते हो, और अगर आपका जो पड़ोसी है वो खुले दिमाग का है और वो आपको अलाउ कर रहा है आपके अपने घर में आके बात करने के लिए, या आप उनको अलाउ करते हो अपने घर में बुला के बात करने के लिए, तो भी कर सकते हो। तो ये दो तीन तरीके से हो सकता है। तो आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है। अब आप जब इन्फॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है हेल्थ प्रोडक्ट की भी आपको डिस्कशन करनी है थोड़ी बहुत, और आपको ये भी बताना है कि भाई हमारे पास में डेली यूज के भी प्रोडक्ट्स हैं। देखिए क्योंकि हर बंदा जो है ना सेफ नहीं महसूस कर रहा है दुकान में जाके माल लेने के लिए, उसको जाना ही नहीं है, अभी उसको घर में बैठने की आदत हो गई है एक तरीके से। तो अगर उसको उसके बिल्कुल घर में बगल से अगर खाने का तेल मिल रहा है, चाय पत्ती मिल रही है उसको, गरम मसाला मिल रहा है, हल्दी पाउडर मिल रहा है, बाकी फिनाइल साबुन ये सब मिल रहा है, तो वो बाहर 500 मीटर दूर भी नहीं जाने वाला है खरीदने के लिए, वो आपके पास ही आएगा आपके घर में और बोलेगा भैया मेरे को चाय पत्ती दे दे खत्म हो गई है, भैया मेरे को हल्दी पाउडर दे दे खत्म हो गई है, ला भाई मेरे को पेस्ट दे दे खत्म हो गया है। अब वो यहाँ पे ये नहीं देखने वाला है कि यार तुम्हारी चाय पत्ती तो जो है मार्केट के अंदर तो जो है 90 रुपए की 100 ग्राम मिल रही है, तुम्हारी 105 रुपए की है। अरे वो बोलेगा यार जाना यार भाई भी मैं 15 रुपए के चक्कर में थोड़ी मैं बाहर मरने के लिए जाऊंगा, कोरोना वोरोना हो गया तो यहाँ पे आपको वो ऑब्जेक्शन नहीं आने वाले, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। ये नहीं बोलने वाला है कि यार मार्केट में लक्स जो है 28 रुपए का है, तुम्हारा जो है आयुर्वेदिक सोप जो है 40 रुपए का है, वो 12 रुपए नहीं देखने वाला है भाई, वो अपनी फिलहाल अभी देख रहा है क्या सुरक्षा, राइट। तो इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट्स। अगला आता है नोट डाउन देयर कंसर्न्स, उनकी क्या कंसर्न्स है उनके जीवन में, किस चीज से अभी फिलहाल वो पीड़ित है। जाहिर सी बात है वो बोलेगा आपको यार पैसे का मेरे को टेंशन आ रहा है, पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा, मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। देखिए मैं आपको पूरी एक कहानी के रूप में बता रहा हूं कि मैं शर्मा जी से कैसे बात कर रहा हूं, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, अपना हाथ खड़ा कीजिए अगर मेरा राइट, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, अगर यस तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। क्या आप लोग, क्योंकि मैं सभी को एक बार से एकदम से नहीं देख सक रहा हूं, तो
क्या आप मेरी बातों से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूं उसके अंदर सेंस लग रहा है आपको? बिकॉज देखो, ये समय में आप जाके बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी होटल मीटिंग्स नहीं कर सकते हो। आपके पास में रिसोर्स एक ही है, आपका कौन, नेबर। और ये सारा खेल अपने को करने का है वहीं से। और अगर एक व्यक्ति, मतलब आप चार लोगों को कवर करते हो और आपके टीम में 100 लोग हैं, उनको भी आपने यही सिखा दिया कि भैया तू तेरे नेबर से, जितने भी तेरे पड़ोसी है उनको तू बात कर ले, तो आपने चार लोगों को किया, आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं, उन्होंने चार लोगों को कवर किया, तो 500 लोगों का इंतजाम हो गया। और अगर 500 लोगों ने अगर 2,000 रुपए का भी सामान खरीद लिया तो आपका 1,00,000 रुपए का हेलो बिजनेस हो गया, राइट? तो यही करना है हमें, ठीक है? तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ कि क्या होगा कन्वर्जेशन। तो ये शर्मा जी ने मुझे बताया कि यार मुझे तो टेंशन हो रही है, मेरे क्या कहते हैं परिवार के भविष्य की, फाइनेंसिस की, ईएमआई है, लोन है, फलाना है, धिमकाना है। तो आप उनके कंसर्न से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। यस, मैं समझ सकता हूँ शर्मा जी, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं भी समझ सकता हूँ कि हाँ कठिन समय है और जॉब वालों की तो हालत बहुत खराब है। मैंने पता किया, मेरा भाई भी जॉब में है, मेरा दोस्त भी जॉब में है, बहुत हालत खराब है, उनको तो जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा कोई पता नहीं है। और आई कैन अंडरस्टैंड। शर्मा जी आपसे पूछेंगे कि यार आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बोलोगे नहीं सर मेरा तो काम चल रहा है, मेरा तो कोई ठीक प्रॉब्लम नहीं है, हम जो जिस काम में उस वो उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है हमारे बिजनेस पे, ये सारी समस्याओं का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। आप सोचिए, अभी शर्मा जी दिमाग में सोचना चालू कर देगा यार साला लॉकडाउन से बड़ी बड़ी कंट्रीज परेशान है लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। तो आपको पहले उसका कंसर्न समझना पड़ेगा कि क्या क्या है उसके कंसर्न, और उसको फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा। जी, उनका कॉन्फिडेंस, गेन देयर कॉन्फिडेंस। वो जब बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस हासिल कीजिए, उनसे और कनेक्शन बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस हासिल कीजिए बात करके कि शर्मा जी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे साधन है जिससे आपको आपके भविष्य की परवाह करने की चिंता नहीं है, हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। और शर्मा जी देखिए, मुझे नहीं पता कि ये चीज आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आपके लिए है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो चीज मैं कर रहा हूं उसने आज मुझे जो है बिल्कुल बेफिक्र कर दिया है, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, मुझे पैसा भी आ रहा है, मुझे सेफ्टी की भी कोई चिंता नहीं है, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। तो अब आपको क्या करना है, शर्मा जी का कॉन्फिडेंस हासिल करना है, उनको आपकी बात में एक आशा की किरण दिखनी चाहिए। एल से बात करते हैं, लेट देम आस्क डाउट्स। अब शर्मा जी आपको कुछ डाउट्स पूछेंगे, अरे भैया क्या है, क्या काम है, कैसे करते हैं, कितना पैसा लगेगा, ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, केमिकल वाले हैं, दुनिया भर के जो भी डाउट्स हो सकते हैं वो पूछेंगे आपको। आपने क्या करना है उनको, आपने उनको करना है इनवाइट देम टू अ मीटिंग, एक जूम मीटिंग में बुलाओ उनको, एक आईबीएम में बुलाओ, जो आपका अपलाइन कर रहा होगा, जो आपकी खुद कर रहे होंगे या आपका अपलाइन कर रहा होगा, उनको एक जूम मीटिंग में बुलाइए, उनको कहिए शर्मा जी ये सारे जो डाउट्स है वो हमारे एक सीनियर, हमारे जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे 45 मिनट का, आपको अपने घर में बैठ के ये दे सकते हो, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, चाहे तो हम लोग दोनों साथ में बैठ के देख सकते हैं, आपके परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, आप बस ये जूम मीटिंग देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये सिस्टम क्या है, ये काम क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स क्या है, इसमें क्या कैसे काम करता है, हो सकता है ये अच्छा। ये मीटिंग में आने के लिए कोई आपको मना करेगा क्या, अरे नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मेरे पास में क्या कहते हैं बिल्कुल भी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास में ये है वो है। जूम मीटिंग में तो किसी को भी इनवाइट कर ही सकते हो ना, और इनवाइट करने से कोई तो मना करेगा नहीं आपको, क्या लगता है कोई करेगा मना, नहीं करेगा।
लेकिन आपने खुद ने वहां पे चालू नहीं हो जाना, अपना पूरा बस्ता निकाल के वहीं पे तुलसी गुलसी ये सब का देने का शुरू मत करना, समझ रहे हो बात को? आपने उनका कॉन्फिडेंस हासिल किया, उनके डाउट्स जो भी थे वो क्लियर करने के लिए जब बात आती है, जब वो डाउट्स पूछते हैं वो सारे पूछने दो, हाँ पूछिए और पूछिए और पूछिए। तो आपको उनको ये बताना है कि शर्मा जी आपके जो डाउट्स है बहुत वैलिड है, और ये सारे डाउट्स जो है मैं उसका हल बताओ, उससे अच्छा ये है कि हमारे एक बहुत ही सीनियर लीडर जो इस काम में इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सालों से हैं, बहुत अनुभवी है, उनका एक आधे घंटे का पौन घंटे का एक प्रेजेंटेशन है, वो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद और कुछ डाउट्स हो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कर सकते हैं सभी लोग, इतना हो सकता है, यहां तक पहुंच सकते हैं? हेलो, हाथ हाथ खड़ा करके बताइए, यहां तक पहुंच सकते हैं? आसान है, ये हो सकता है, राइट? हो सकता है, ये कर सकते हैं, ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं, वी वेरीफाई देयर इंटरेस्ट। आपने इनवाइट किया, आपने इनवाइट कर दिया शर्मा जी को, शर्मा जी ने कहा कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, मैं देख लूंगा वॉट एवर। फिर से आप पूछिए शर्मा जी को कि शर्मा जी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 45 मिनट का एक प्रेजेंटेशन होने वाला है शाम को 5 बजे, तो आप उस समय तो बिजी तो नहीं रहेंगे, मैं आपका एक स्लॉट बुक करता हूँ और मैं अपने जो प्रोजेक्ट के जो मेन चीफ है उनको मैं बता दूंगा कि भाई ये आपका स्लॉट बुक कर ले, बिकॉज की लिमिटेड एंट्री रहती है, लिमिटेड लोग ही उसमें अलाउड है, तो मैं आपका स्लॉट बुक कर लेता हूँ। शर्मा जी फिर आपको बोलेंगे कि ठीक है भाई मेरा मतलब, आपको उनका जो इंटरेस्ट है कि वाकई में वो मीटिंग में आना चाहते कि नहीं, तो उसको आपको मतलब एक बहुत ही कॉन्क्रीटली बहुत ही अच्छे तरीके से उसको उनके दिमाग में फिट करके आपको बोलना है, जैसे आज रविवार है, आपको बोलना है कि भाई नेक्स्ट डे मतलब सोमवार को 5 बजे ये होने वाला है, तो अपने आपको फ्री रखिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा 4:45 बजे, ताकि आप वो सिस्टम जो भी है जूम वूम डाउनलोड करके रखिएगा और मीटिंग हम लोग साथ में बोल बैठ के देख सकते हैं, या आप अपने अपने आप देख लीजिए। तो उनका एक बार वेरीफाई कर लो इंटरेस्ट की, वाकई में वो खाली ऐसी आपसे पीछा छुड़ाने के लिए बात कर रहा था या वाकई में वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद में ई आता है, मीटिंग में जब वो आ जाएंगे तब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे अपॉर्चुनिटी, आपको नहीं करनी है मुझे ही करनी है, या डॉक्टर वाजपेयी होंगे या आपके जो भी अपलाइन है, क्या कहते हैं, राज शर्मा जी हो सकते हैं, पवार जी हो सकते हैं, रमन जी हो सकते हैं, मनोज जी हो सकते हैं, जो भी IBM लेता है, या आपकी जो भी अपलाइन है, या कोई भी हो सकता है, मतलब चेयरमैन एंड अबाउ कोई भी ये मीटिंग ले सकता है IBM जो होती है। तो वेरीफाई करने के बाद में वो मीटिंग में आए, उनको पूरा एक्सप्लेन किया गया अपॉर्चुनिटी, उनको पूरा बताया गया कि भाई एक स्टेप वाइज उनको बताया गया कि भाई ये काम है, ये कंपनी प्रोफाइल है, ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे काम करना है, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन नहीं करनी है, ये एक्सप्लेन होंगी मीटिंग में, ठीक है, जो भी जूम मीटिंग होगी उसके अंदर एक्सप्लेन होगी। और वो एक्सप्लेन करने के बाद में अगर वो यस बोलते हैं, जुड़ने के लिए यस बोलते हैं, या सिर्फ प्रोडक्ट बाय करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए बोलते हैं, तो एस से आता है उनको सप्लाई द प्रोडक्ट्स। सो यू आइदर सप्लाई द प्रोडक्ट्स और यू सप्लाई देम द चांस टू ज्वाइन द नेटवर्क, दो चीज हो सकती है, या तो वो कस्टमर बनेंगे या तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, राइट? ये दो ही चीज हो सकती है, कस्टमर बनेंगे या तो डिस्ट्रीब्यूटर। और मैं आपको बता दूं कि वो पक्का आपका कस्टमर तो बन ही जाएंगे, कस्टमर बन जाएंगे आपके, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है, तो ये सारी जब आप प्रक्रिया से जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो मेन प्रक्रिया है, जो पूरी ये जो सर्विंग एंड सेविंग लाइव्स, यहाँ पे आपका ये पूरा जो मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया, इसके अंदर सभी पर्पस सॉल्व हो गए हैं। आप तो एक तरीके से आप उनको सर्विस दे रहे हो, कैसे सर्विस दे रहे हो, आप उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ये लॉकडाउन के समय, जब पूरा दुनिया एक आर्थिक संकट में, तो आप उनको एक पैसा कमाने का मौका दे रहे हो, मतलब आप एक सर्विस दे रहे हो उनको,
हेल्प कर रहे हो, और दूसरा सेविंग कर रहे हो उनकी लाइफ्स, उनके परिवार की लाइफ्स, उनकी हेल्थ बाय गिविंग देम गुड प्रोडक्ट। तो अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट सर्विंग जो है, स्टे एट होम, ईट वेल, रेस्ट वेल, विजुअलाइज द फ्यूचर, इंप्लीमेंट कॉमन सेंस, नीड फॉर ऑप्शन, गेट अप नाउ, ये आपके लिए है। अभी भी आज अगर आपके दिमाग में ये है कि यार मेरे को IMC बिजनेस की जरूरत नहीं है, अरे ठीक है IMC बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, आराम से करेंगे, वक्त आएगा तब करेंगे, भैया ये जो सर्विंग है ना, ये आपको जगाने के लिए है, ये आपके जो अंदर जो एक सोया हुआ जो शेर है ना, उसको जगाने के लिए है। और अगर आज भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, फोटो खींचो अपना और उसको बढ़िया फ्रेम करा के लगा दो, और उसके ऊपर एक माला भी डाल देना, क्योंकि तुम खत्म हो चुके हो, खाली जिंदा लाश हो। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, कुछ लोगों को कटु लग रही होगी, लेकिन यही समय है जब हमें अपने परिवार के लिए कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आज तक अगर आप बैठे हुए थे ये सोच के कि ईश्वर सब करेगा, गवर्नमेंट सब करेगी, अपलाइन सब करेगा, कोई कुछ नहीं करने वाला, भैया सब अपने करना है, अपन ने खुद ने करना है। तो आज ये मौका है सेविंग में आपको पैटर्न बता रहा हूं कि क्या करना है। सेविंग में स्पीक टू द नेबर्स, बिकॉज कि वही आपके पास एक रिसोर्स है, अभी बात करने के लिए वही आपका कस्टमर बनने योग्य है, वही बंदा है जो जिसके पास आप प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो, दैट्स इट। दूसरा और कोई रिसोर्स नहीं है आपके पास, कोई बड़ी बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते हो आप, कहीं पे बड़े बड़े जाके आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो, कहीं पे जाके कैनोपी नहीं लगा सकते हो, कहीं पे भी जाके आप पैम्फलेट बांट के लोगों को नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी कैंप नहीं लगा सकते हो। अभी फिलहाल आपके पास में एक ही रिसोर्स है, वो है आपके आजू बाजू आए दाए बाए ऊपर नीचे नेबर्स, उनके साथ में बात कर सकते हो बस फिलहाल। तो जो मैंने सेविंग के अंदर बताया है, स्पीक टू योर नेबर, आस्क देयर वेलनेस वेलबींग कैसे है वो लोग, इन्फॉर्म देम अबाउट द प्रोडक्ट्स, वैल्यू बिल्डिंग कीजिए, नोट डाउन देयर अबाउट देयर कंसर्न्स, और उनका कॉन्फिडेंस हासिल करके लाइव्स के अंदर, LIVES के अंदर हमने उनको मीटिंग में बुलाया, मतलब उनके कुछ डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए उनको मीटिंग में आना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट हमने वेरीफाई किया, उनको मीटिंग के माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिली, और हमने उनको अगर वो यस बोलते हैं तो प्रोडक्ट सप्लाई किए, और अगर वो यस बोलते हैं तो हमने उनको ज्वाइनिंग कर दिया। तो साथियों, नए लोगों के लिए जो 10% पे बैठे हैं, 20% पे बैठे हैं, 30% पे हैं, 25 पे हैं, जिनकी छोटी टीम है, जिनकी टीम नहीं है, जो भी है, ये चीज ये इसको करने से आपका बिजनेस जो है वो चल पड़ेगा, बिजनेस जो है वो फिर से मोमेंटम ले लेगा, राइट। तो अब इसके अंदर आती क्या है चीज, और एक चीज इसके अंदर आता है, ये डुप्लीकेट कैसा होगा, डुप्लीकेशन की बात करते हैं। तो डुप्लीकेशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। डुप्लीकेशन ये किस चिड़िया का नाम है भैया, बहुत से लोग ने सुना है, जब भी जाते हैं डुप्लीकेशन क्या है, और डुप्लीकेशन किस चिड़िया का नाम है, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है डुप्लीकेशन, एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, डुप्लीकेशन, थोड़ा सा इसका विज्ञान में जाते हैं, ये वर्ड के विज्ञान में, ज्यादा नहीं थोड़ा सा हल्का सा। डुप्लीकेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड डुप्लीकेट, एक ओरिजिनल होता है और उसका जो बिल्कुल समान जैसा उसके दिखने जैसा वो होता है डुप्लीकेट, राइट। ये वर्ड आपने सुना होगा। डुप्लीकेट के जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है मैचिंग, आइडेंटिकल, ट्विन या रेप्लीकेट। बहुत से लोग रेप्लिका वॉचेस पहनते हैं, बहुत से लोग डुप्लीकेट जो एक ब्रांड है, मान लो नाइकी है तो नाइकी का शूज आ गया मार्केट में, वही एम्ब्लेम के साथ में, वही लोगों के साथ में, एडिडास का आ गया, XYZ बहुत सारी चीज आती है। तो डुप्लीकेट ये वर्ड हमारे बिजनेस में क्यों यूज किया जाता है और इसके क्या मायने हैं वो एक बार देखते हैं, और हम हमारे बिजनेस में इसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं।
मीनिंग ऑफ डुप्लीकेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, मैं इंग्लिश में इसका क्या है और उसके बाद में उसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं. अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज वर्क प्रैक्टिसेस विच कैन बी डन बाय समवन एंड बाय वर्च्यू ऑफ सिंपल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन दो सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाय एनीवन एल्स. हिंदी में इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं, कुछ ऐसे ऐसे डेमोज जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है और वो करते हुए बहुत ही साधारण और आसान तरीके से किसी को बता दे, जिसको बताया गया हो वो भी वही काम जो पहला व्यक्ति कर रहा था उतनी सरलता से कर पाए, उसको कहते हैं डुप्लीकेशन. राइट, ये है डुप्लीकेशन का मतलब. अब हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो पाता, उसके कई कारण है. हमारे बिजनेस में लोग कहते हैं सर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मैं बहुत काम कर 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 रहा हूं. तो भैया आपको मैं आज बता दूं कि आप काम बहुत कर रहे हो, बराबर है, मेहनत बहुत कर रहे हो, बराबर है, लेकिन आपको उसका लाभ या उसका फल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसको 99% पे लेके गए हो और एक आपको जो फिर से लास्ट 1% जो आपको करना था वो आपने किया नहीं और आपने छोड़ दिया और आपको लगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, इस वजह से आपको रिजल्ट नहीं आता. देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, 99% वर्क इज नॉट गोइंग टू गिव यू 100% रिजल्ट, 50% वर्क इज नॉट गोइंग टू गिव यू 100% रिजल्ट, 100% वर्क इज गोइंग टू गिव यू 100% रिजल्ट. ये बात ध्यान रखिएगा, 100% प्रयास ही आपको 100% परिणाम देगा, 99% प्रयास आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता. हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग 99% कर रहे हैं और क्या, अभी 99% है क्या? आपने किसी को कांटेक्ट किया, उसको 10 बार फोन किया, आपको उसने अपॉइंटमेंट देने के लिए 50 नखरे किए, आपने उसको मनाया, उसके पैर पड़े, उससे हाथ जोड़े कि भैया सुन ले सुन ले सुन ले, बाद में उसने आपको बुलाया, आप गए, पूरा डांस किया, पूरा सर्कस किया आपने उसके सामने, आपने ब्रेसलेट का डेमो दिखाया, आपने तुलसी का डेमो दिखाया, आपने एलोवेरा का डेमो दिखाया, आपने अपने अपलाइन के चेक दिखाए, उसने आपको 50 प्रश्न पूछे, उसने बोला कि ये सब झूठ है, ये प्रोडक्ट्स में केमिकल है, ये कंपनियां भग जाएंगी, ये फलाना हो जाएगा, धमकाना हो जाएगा, पूरी बात आपने सुनी, आपने उसको कन्विंस किया कि नहीं भैया ये चेक ओरिजिनल है, ये प्रोडक्ट जो है WHO मान्यता के हैं, ये प्रोडक्ट क्या कहते हैं ऑर्गेनिक है, ये कंपनी भागेगी नहीं, मैं भी नहीं भागूंगा, सब लोग यहीं एक साथ में रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, ये सब बात तुमने कर ली. उसने बोला चल जा ज्वाइन करता हूं, नहीं उसने बोला कि नहीं और भी मेरे को चाहिए और भी प्रश्न, उसने बोला कि क्या करना पड़ेगा, तो तुमने बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें कुछ करना नहीं रहता, कितना लगाना पड़ेगा, तुमने बोला कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं लगाना पड़ता, ये फ्री बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, तुमने खाली जुड़ना है, तो बोलता अच्छा बस ठीक है जुड़ जाते हैं. तुमको उसने दिया पैन कार्ड, तुमको दिया आधार कार्ड, तुमको दिया फोटो, तुमको दिया बैंक पासबुक और तुमको लगा तुम जंग जीत गए, तुमको लगा कि भैया स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग मिल गया मुझे, ये बंदा जुड़ गया, बस हो गया. अरे बावले बेवकूफ, क्या बोलूं मैं, अरे इतना डांस इतना सर्कस करने के बाद जो मेन चीज लेनी थी वो भूल गए तुम, तुमने सब ले लिया, इतना करने के बाद में जो उससे जो मेन चीज लेनी थी वही तुमने नहीं ली. अच्छा मेन चीज क्या लेनी थी, वो था पैसे. ज्वाइनिंग आप कराते हो तो उसको कुछ ना कुछ उससे मुद्रा लीजिए आप. डॉक्टर वाजपेयी बोलते ना, जहां धन लगेगा वही मन लगेगा, जो धन लगाएगा वही मन लगाएगा.
तो मेरे साथियों, आपको ये चार चीजों के साथ में पांचवी चीज लेनी आप भूल गए। अच्छा, वो पांचवी चीज आप क्यों भूले नहीं है? आपको है मन में कि मैं ले लूं पैसे उससे, लेकिन आपके दिमाग में आपने क्या पूरी योजना बना के गए थे कि इसको मैं 2500 रुपए का प्रोडक्ट ठोकूंगा, इसको 5000-6000 रुपए का प्रोडक्ट ठोक दूंगा, ये डायबिटीज वाला है, ये कैंसर वाला मरीज है, ये लकवे वाला मरीज है, इसको मिर्गी आती है, इसको बच्चे नहीं पैदा हो रहे, इसके पूरे बच्चे मैं पैदा करवा देता हूं। ये तुम उसके दिमाग से, मतलब उस योजना से गए हो 5000-6000 रुपए के प्रोडक्ट देने के लिए। तो अब तुम्हारे को अंदर से खुद को टेंशन आ रही है कि अभी 5000-6000 रुपए का प्रोडक्ट कैसे दे दूं इसको मैं, ये साला मना कर देगा तो। अभी तो जुड़ने के लिए तो यस बोला है, अभी 5000-6000 रुपए के प्रोडक्ट ठोक दूंगा इसको तो ये तो वैसे ही भग जाएगा। तो तुम भी उसको बोल नहीं पा रहे हो, तुमने जोड़ दिया और तुम अपने काम, मतलब उसको जोड़ दिया, छोड़ दिया और तुम अपने काम पे लग गए। और ऐसे तुमने 10-15-20 लोगों को जोड़ दिया, छोड़ दिया और बाद में फिर एक महीने के बाद में बोले सर मेरे को तो कुछ चेक ही नहीं आ रहा। अरे चेक कहां से आएगा, बीवी तुमने डलवाया नहीं ना। इसके 2-3 कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास ज्यादातर हमारे महारथी जितने भी है वो डॉक्टर बन के घूम रहे हैं। जिसको देखो वो बिना आला के, आला मतलब समझते हो ना, बिना स्टेथोस्कोप के, बिना डिग्री के वो निकला हुआ मार्केट में डॉक्टर बन के। हाँ भैया कहाँ है, जैसे अपन ब्लैक टिकट नहीं करते, ब्लैक अभी तो ब्लैक नहीं होती है, लेकिन एक जमाने में जब बहुत सारे हमारे जितने भी, मुझे लग रहा है जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं कभी ना कभी तो ब्लैक की टिकट ली होगी। कितने लोगों ने ब्लैक की टिकट खरीदी है पिक्चर की, हाथ खड़ा करो, है ना। तो जब अपन नॉर्मल थिएटर में जाते थे तो ऐसा नहीं बोलते एक का पांच, ऐसा नहीं बोलते थे, हाँ दो का दस। हाँ तो हमारे जितने भी हमारे महारथी जितने भी IMCNs है वो सीधा एंटर होने के बाद बिजनेस में ब्लैक टिकट जैसा करते हैं वैसी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हाँ डायबिटीज बीपी, किडनी, हाँ कैंसर है, ऐसा बात कर रहे हैं। मतलब तुमने जैसा रेडी लगाए हुए हैं, हाँ मार्केट में डॉक्टर बन के घूम रहे हो, डॉक्टर लोग क्या करेंगे। तो भाई साहब मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूं, एक ही आपसे अनुरोध है दो हाथ जोड़ के कि भैया डॉक्टर मत बनो, आप डॉक्टर नहीं हो, आप ऑथोराइज नहीं हो ये सब चीज करने के लिए। हमारे पास में हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं मान लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो है आप आला बिना लगाए, आप कुछ भी आपके पास में मेडिकल नॉलेज ना होते हुए आप बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने जाने की बातें मत करो, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रिवेंशन के अंदर काम में आते हैं प्रोडक्ट्स, उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। अब उसको भी वो लेवल पे भी जाने के लिए आपको कैसे जाना वो मैं बता रहा हूं आपको। अब ये चीज जो है ये प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझ लेना, जो समझ गया ना वो समझ लो कि उसका हो गया उद्धार, ठीक है। अब आगे का प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझो कि मैं क्या आपको कहां पे कनेक्ट करना चाह रहा हूं। अब डुप्लीकेशन कैसे संभव है ये देखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एक बात हमारे बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना, क्या इन आवर बिजनेस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट वर्क्स फॉर यू, इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज इजीली डुप्लीकेबल। हमारे बिजनेस में ये मायने नहीं रखता कि तुम क्या बहुत अच्छे से कर सकते हो, मायने ये रखता है कि क्या चीज इजीली आपका व्यक्ति, आपका टीम वाला भी आपको देखा देखी कर सकता है। अब कोई बहुत अच्छा रिटेल कर सकता है, कोई एक बहुत अच्छा कैंप लगा सकता है, तो भैया आप कैंप लगा सकते हो, हर व्यक्ति कैंप नहीं लगा सकता, डुप्लीकेबल नहीं है, सबसे नहीं होगा ये कैंप लगाना। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हो, बड़े बड़े सीईओ बड़े बड़े जगह पे हर एक बंदा नहीं दे सकता है। आप बड़े बड़े एमएलए के पास में जाके फोटो खींचा के उनको प्रोडक्ट दे सकते हो, हर एक व्यक्ति एमएलए के पास में एमपी के पास में जाके प्रोडक्ट नहीं दे सकता है। तो जो चीज आप कर रहे हो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो मैं काम कर रहा हूं वो क्या सब कर सकते हैं क्या। मैं एक एमबीए हूं, मुझे अच्छे बात करना आता है, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं, मैं प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकता हूं, तो क्या आपकी टीम में कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो वो कैसे करेगा बिजनेस। मतलब आपका बिजनेस इज नॉट डुप्लीकेबल।
तो डुप्लीकेशन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगला चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना हमारे बिजनेस में, सबसे बड़ी बात, स्मॉल हैज हायर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन, छोटी चीज ज्यादा आसानी से डुप्लीकेट होती है, छोटा कम ज्यादा डुप्लीकेट होता है। अब मैं बताता हूं आगे क्या है उसका मतलब, वाई स्मॉल इज मोर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन, छोटा क्यों ज्यादा डुप्लीकेशन के चांसेस है, रीजन, छोटा रिस्क फ्री होता है, हर एक व्यक्ति को रिस्क लेने से आपत्ति है, हर एक बंदा रिस्क लेने से कतराता है, तो छोटी चीज जो होता है उसके अंदर रिस्क नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है वो डिसीजन लें। स्मॉल थिंग्स डोंट रिक्वायर परमिशन, छोटे कदम लेने के लिए, छोटी चीज खरीदने के लिए, छोटा पैसा लगाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर लेडीज घर में है उसको अगर आप कह दो कि 100-200 रुपए के कोई सामान ले ले, तो अपने हस्बैंड से पूछना नहीं पड़ता, अपने सास ससुर से नहीं पूछना पड़ता, वो अपने आप 100-200 की चीज कोई भी ले लेगा। लेकिन कोई बड़ा डिसीजन लेना है, 2-3-5 हजार रुपए की बात है, तो उसको अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, अपने सास ससुर से पूछना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, उसको 10-20 हजार रुपए लगाने को बोलोगे आप, 10-5 हजार बीवी के प्रोडक्ट लेने को बोलेगा, तो बोलेगा, वो बहाना बना सकता है कि यार मेरे को मेरे भाई के साथ मेरे को पूछना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल थिंग्स डजंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ थिंकिंग, छोटी चीज करने के लिए, छोटे निर्णय लेने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता किसी को, ज्यादा दिमाग के पेच जो है लगाने नहीं पड़ते हैं। स्मॉल थिंग्स डोंट रिक्वायर बिग डिसीजन डिस्कशंस, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ती कि लोगों की मंडली बैठा के, अरे भैया 200 रुपए का मेरे को सामान खरीदना है तो क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या 500 रुपए का मेरे को सामान खरीदना है तो उसके लिए उसने कोई बहुत बड़ा ये नहीं करना है, संवाद नहीं करना है, बहुत बड़ा कोई उसने लगाना नहीं है, ठीक है, डिस्कशन नहीं करनी पड़ती है। स्मॉल थिंग्स स्प्रेड फास्ट, छोटी अगर चीज है तो वो ज्यादा तेजी से फैल सकती है, फैला सकते हो। स्मॉल थिंग्स आर रिपीटेबल, अगर मैंने 200 रुपए की चीज खरीदी है तो फिर से मैं 200 रुपए की चीज खरीद सकता हूं, मैं बार बार चीज को ले सकता हूं। अगर मैंने 500 रुपए की कोई चीज ली है तो मैं बार बार 500 रुपए की चीज खरीद सकता हूं, हो सकता है महीने में खरीदू, हो सकता है 2 महीने में खरीदू, लेकिन रिपीट हो सकता है स्मॉल चीज, छोटा। स्मॉल थिंग्स स्प्रेड इजी, थिंग्स स्प्रेड इजी, शेयर के लिए, शेयर करने के लिए आसान होती है। एंड फाइनली स्मॉल थिंग्स डोंट क्रिएट कंफ्यूजन, छोटी चीजें जो है कंफ्यूजन नहीं करती है। अब आप खाली सोचो कि अगर आपको कोई कह ले कि भाई साहब आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हो और आपको कोई बोल दे कि यार 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है और आपको 1 लाख की आपको ये खरीदनी है, बाइक खरीदनी है। अब आपको मालूम है यार मैं मध्यम वर्गीय हूं, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार गाड़ी इतनी बड़ी कैसे करूंगा। आपको कोई बोल देगी 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे यार मैं खरीदूंगा कैसे, कैसे चलाऊंगा, कैसे पेट्रोल डालूंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि अच्छा 1 लाख रुपए की मेरे को एक बाइक खरीदनी है, ठीक है, उसका माइलेज आएगा 50-60 किलोमीटर माइलेज देगी, ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, 8-10 हजार रुपए का उसका लोन का EMI आ जाएगा। इसमें आपको तुरंत जो है आप ले सकते हो डिसीजन, लेकिन बड़ी गाड़ी लेने के लिए आपका कंफ्यूजन रहेगा यार कैसे करूंगा ये, तो छोटी चीज जो है उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है ज्यादा। तो मैं आपको एक आपके सामने शेयर कर रहा हूं, क्या आपको ये एक्सेल शीट दिख रही है, एक्सेल शीट दिख रही है आपको सभी को, स्क्रीन के ऊपर एक्सेल शीट दिख रही है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका मोबाइल, अगर आप लोग ऐसा देख रहे हो ना, अब इसको ऐसा कर लो तो आपको क्लियरली दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है, मैं इसको बड़ा भी कर दूंगा थोड़ा सा। अब देखिए मैं आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन की एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है आपके सबके लिए समझना कि कैसे डुप्लीकेशन होता है। अब मान लीजिए
एक सेकंड, आपको एक्सट्रीम आपके लेफ्ट के अंदर जहां पे मैंने अभी एक मार्क किया है, मैंने जहां पे येलो से मार्क किया है, फर्स्ट लेवल दिख रहा है आपको सभी को? अगर आपको ये चीज दिख रही है तो अपना हाथ खड़ा कीजिए, मैंने जिसको लेवल येलो से मार्क किया है, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप जुड़े, मैं ये जो है ये सभी के लिए बता रहा हूं, यही डुप्लीकेट होना चाहिए। आप फर्स्ट लेवल पे जुड़े और आपने चार लोगों को जोड़ा। अब जोड़ा कैसे? फ्री फंडे में नहीं जोड़ा, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आपने आप जुड़े और आपने आपके नीचे चार लोगों को जोड़ा, और उनके नीचे अगर चार लोग जुड़ते हैं और उनके नीचे अगर चार लोग जुड़ते हैं, सेकेंड लेवल पे चार लोग जुड़े, थर्ड लेवल पे चार लोग जुड़े, फोर्थ लेवल पे उनके नीचे चार लोग जुड़े और फिफ्थ लेवल पे चार लोग जुड़े, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो टोटल टीम है वो हो जाती है 1224 लोगों की। मतलब आपकी पांचवे लेवल तक आते आते अगर आपने सिर्फ यही डुप्लीकेशन किया कि चार के नीचे चार, चार के नीचे चार, चार के नीचे चार, पांचवे लेवल तक आपकी टीम हो जाती है 1224 लोगों की। अब मैं आपको बताता हूं इसका मैजिक। अब ये मैजिक जो है आप देखिएगा कि क्या होता है। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम पेशेंट ढूंढने के चक्कर में घूमते रहते हैं, हम लोगों को 2000-5000 का सामान बेचने के चक्कर में चलते हैं, और जहां पे वो खुद भी कंफ्यूज रहता है, उसके खुद में भी भय रहता है, और आपको भी उसको ये माल देने के लिए संकोच रहता है कि पता नहीं ये भगना जाए। अब मैं आपके सामने कुछ लिस्ट दे रहा हूं, क्या आप आपके राइट साइड में, मैंने अभी एक हाईलाइट किया है वो ब्लू दिख रहा है हल्का सा, देख सकते हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ब्लू किया है, देख पा रहे हैं? अगर आप देख पा रहे हैं तो अपना हाथ खड़ा कीजिए, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा व्हाइट कर लेंगे तो आपको दिखेगा। मैंने राइट साइड में अगर आप देखेंगे, तुलसी, एलो डेंटल क्रीम, एलो ज्योति और एक छोटा सा बॉक्स, तुलसी, एलो डेंटल क्रीम और एलो ज्योति, मैं इसका आपको एक उदाहरण भी बताता हूं। आपने करना क्या है, अगर आपको किसी को जोड़ना है अपने साथ तो उसको फ्री में नहीं जोड़ना है, उसको आज से हमने एक प्रण लेना है कि हम किसी को भी जोड़ेंगे तो हमने उस व्यक्ति को, आपके सामने एक किट आने वाली है, क्या आप सभी लोग ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर? अगर आप देख सकते हैं तो अपना हाथ उठा के बताइए, अपना हाथ उठा के बताइए कि आपको क्या स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर श्री तुलसी, एलो डेंटल क्रीम और पेस्ट है, नहीं दिख रहा है? बहुत से लोग मुंडी हिला रहे हैं। आपको आपके स्क्रीन के ऊपर किट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कोई पिक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, रुकिए रुकिए रुकिए, अब दिख रहा है? तो आप जब भी किसी को जोड़ते हैं तो आपने उनको इस किट से जोड़ना है, मिनिमम ये किट से जोड़ना है आपने। ये किट का दाम क्या है, ये किट जो है इसका दाम क्या है एक बार देखते हैं। तुलसी का दाम क्या है? तुलसी है 140 रुपए की। अब मैं आपके साथ में एक दूसरा चीज शेयर कर रहा हूं, क्या आप ये एक्सेल शीट देख सकते हैं? एक सेकंड, अब अपने स्क्रीन पे आप ये एक्सेल शीट देख सकते हैं सभी लोग?
अगर आप देख सकते हैं तो अपना हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, एक्सेल शीट देख पा रहे हैं? अगर आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे, अगर आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो मैंने एक चीज हाईलाइट की हुई है, देखिए ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है। क्या आप देख सकते हैं ये चीज को, ब्लू से जो मैंने हाईलाइट किया है आप देख सकते हैं? अपना हाथ खड़ा कीजिए राइट। अब आप उसमें देखिए, मैंने लिखा हुआ है श्री तुलसी एलो डेंटल क्रीम और एलो ज्योति। अब इसका डीपी है 140, डेंटल क्रीम का है 90 और एलो ज्योति का है 50। इसकी टोटल कॉस्ट जो है 290 रुपए होती है और इसके बिजनेस वॉल्यूम है 100 बिजनेस वॉल्यूम। आप मुझे बताइए कि किसी को 2000 रुपए माल बेचना आसान है या 290 रुपए का माल बेचना आसान है? अगर आपको लगता है कि 2000 रुपए का माल बेचना आसान है तो अपना अंगूठा ऊपर करके बताइए। अगर आपको लगता है कि 220 रुपए का माल 290 रुपए का माल बेचना किसी को आसान है तो उसको एक बार अंगूठा करके बताइए। 2000 के मुकाबले 220 रुपए का माल किसी को भी बेचना आसान है। तो आप जब भी किसी को जोड़ते हैं तो ये उनके डेली यूज के प्रोडक्ट है। श्री तुलसी हर एक घर में जरूरत है, हर परिवार के हर एक सदस्य को जरूरत है। हर व्यक्ति मंजन करता है, दांत घसता है, हर एक व्यक्ति आजकल लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बैठता है, यूज करता है, उसकी आंखों में तकलीफ होती है, एलो ज्योति। तो मैंने ऐसी कुछ किट बनाई है। दूसरी किट देखते हैं महिलाओं के लिए। अगर महिलाएं काम कर रही है तो ये देखिए, प्यारी सहेली लिप ग्लो और एनायन पैड, इसका दाम है 274 रुपए, 274। इसके अंदर बीवी है 95 बीवी, ठीक है। तीसरा किट बनाया मैंने डेली यूज प्रोडक्ट का, एंटीऑक्सीडेंट टी, राइसिन ऑयल, डिश गोल्ड, इको ब्राइट। इसका डीपी है 490 रुपए। ये हर घर की जरूरत है, ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो हाथ खड़ा करके बताइए। यस, ये हर घर की जरूरत है। चाय पत्ती हर इंसान हर घर में इस्तेमाल होती है, खाने का तेल राइसिन ऑयल हर घर में इस्तेमाल होता है, डिश गोल्ड, इको ब्राइट। अब इसका बीवी कितना है, 120। अगला हम लोग देखते हैं एलो डेंटल क्रीम, एनायन पैड, आयुर्वेदिक सोप और हेयर ऑयल। इसका दाम है 444 रुपए, 137 इसका बीवी है। और लास्ट में देखते हैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और राइस ब्रैन ऑयल। दाम कितना है, 300 रुपया और बीवी है 65। अब मैं आपको बताता हूं मैजिक। अब आपने क्या किया, आपने अपने नीचे चार लोगों को जोड़ा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे ये हरा मार्क किया हुआ है, जहां पे 300 लिखा है, ठीक है। ये 300 जहां पे लिखा है, क्या सब लोग देख सकते हैं जो हरा मार्क किया है 300? वो है आपके नीचे जो लोग जुड़े हैं वो उतना बीवी कर रहे हैं। अगर आपने चार लोगों को 100 बीवी से जोड़ा और वो चार लोगों को सिखा दिया कि वो कैसे अपने नीचे चार चार लोगों को जोड़े मात्र 100 बीवी से, मैं यहाँ पे बीवी चेंज कर रहा हूं, बिजनेस वॉल्यूम 100, तो आपके नीचे कुल बीवी हो जाएगा 1,36,400 बीवी। यह पीला जो किया है मैंने मार्क, वहां दिखेगा आपको, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ये जो नीला किया है 1,36,400 बीवी होंगे। और आपका पे आउट जो है यहां पे देखिए, पे आउट आप देख पा रहे हैं, डायमंड का पे आउट मैंने कैलकुलेट किया है। आप अभी नए प्लान के हिसाब से आपके चार लेग में डायमंड बनोगे, आपका पे आउट आएगा मात्र परफॉर्मेंस बोनस और लीडरशिप बोनस आएगा आपको 23,188 रुपया। मतलब मात्र 100 बीवी का अगर आप डुप्लीकेशन करते हैं, चार उसके नीचे चार, उसके नीचे चार, उसके नीचे चार, पांचवें लेवल पे आप 1,024 लोगों को जोड़ चुके होंगे और हर एक व्यक्ति मात्र 100 बीवी भी करता है, माल खरीदता है, तो आपका पे आउट जो है वो 23,188 रुपये बन सकता है। और अगर हम उसके अंदर सारे फंड्स भी अगर हम लोग डाल दें लीडरशिप के साथ में, तो 32,000
54 रुपया आपका पे आउट बन सकता है। मात्र 100 बीवी से 32,054 रुपया पे आउट बॉस। 290 रुपए का माल बेचना किसी के लिए आसान है कि डिफिकल्ट है? अगर आपको लगता है आसान है तो अपना हाथ खड़ा करके बताइए। 100 बीवी से लोगों को जोड़ना आसान है तो अगर आप मानते हैं आसान है तो अपना हाथ खड़ा करके बताइए। मात्र 100 बीवी से। अब मान लेते हैं कि आपने ये जो रोजमर्रा का जो प्रोडक्ट है, कौन सा, एंटीऑक्सीडेंट टी, राइस ब्रांड ऑयल, डिश गोल्ड और इको ब्राइट, मात्र इसी से आपने अगर लोगों को जोड़ना शुरू किया, 490 का आपने उनको पैक है, वो 120 बीवी, अगर 120 बीवी का डुप्लीकेशन होता है, आपके नीचे चार, उनके नीचे चार, उनके नीचे चार, ऐसा करके पांचवे लेवल पे अगर आप देखेंगे आपका पे आउट जो है वो 27,825 हो जाएगा और आपका लीडरशिप और फंड मिला के 38,465 रुपए का पे आउट बन सकता है डायमंड लेवल पे। थोड़ा सा आपको दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, एलो डेंटल क्रीम, एनायन पैड, आयुर्वेदिक सोप और हेयर ऑयल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, 137 बीवी है, अगर आपने 137 बीवी से भी अगर आपने डुप्लीकेशन किया, चार के नीचे चार, चार के नीचे चार, ऐसा, तो आपका पे आउट जो है वो चले जाएगा 31,766 रुपया और आपको फंड के साथ में मिलेगा 43,914 रुपया। मात्र 137 बीवी का आपको डुप्लीकेशन करना है। साथियों, ये डुप्लीकेशन करना आसान है। 1,000 बीवी हमारी कंपनी ने कंडीशन रखा है, मान लिया, लेकिन आते आते जैसे जैसे लोग इस बिजनेस में, ये मैं आपको बता रहा हूं नए लोगों के लिए, नया व्यक्ति 1,000-2,000 बीवी करने में उसको संकोच होता है, उसको 50 उसके दिमाग में सवाल होते हैं कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पैसा तो नहीं फंस जाएगा, ये होगा, लेकिन 100 बीवी करने के लिए कोई आपको 50 बहाने नहीं बताएगा। 100 बीवी मतलब 250 रुपया, 400 रुपया, तो 500 रुपये किसी की जेब से निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे 200-300 रुपये का लोग पिज्जा खा जाते हैं यार, पॉपकॉर्न खा जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो आज 100-150 रुपये की तो पेप्सी कोक आ जाती है। तो आपके इतने अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए कोई बहुत बड़ी आपको ये नहीं करेगा। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं, आप देख के भौचक्का रह जाएंगे कि ये जो लाल मिर्ची हल्दी पाउडर है, गरम मसाला और राइस ब्रैन ऑयल 65 बीवी आता है। अगर आप 65 बीवी से मात्र हल्दी, गरम मसाला, राइस ब्रैन ऑयल और मिर्ची पाउडर का अगर आपने अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेशन कर दिया, तब भी आपको 15,000 रुपए का पे आउट बनता है, 15,000 का पे आउट, और आपका टोटल पे आउट जो है फंड के साथ में 20,000 हो सकता है। मतलब मात्र 65 बीवी का, अगर आपने 65 बीवी का भी अगर आपने डुप्लीकेशन कर दिया तो भी ये बहुत बड़ा ये हो सकता है। तो क्या आप ये स्क्रीन देख सकते सभी लोग? अगर आप देख सकते हो तो हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, हाथ खड़ा कीजिए, वेरी गुड, ओके। अब हम बात करते हैं वही सेम, अगर आप 5 लाख से करते हैं, 5 लाख से अगर आप इसको डुप्लीकेशन करते हैं, तो साथियों 5 के नीचे 5, 5 के नीचे 5, ऐसा करते करते पांचवे लेवल पे आपके नीचे 3,125 लोग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैंने इसको ब्लू में मैंने इसको कर दिया है। और अगर आप 100 बीवी से भी अगर आप इसको डुप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो पे आउट है चेयरमैन का, वो आप यहां पे आपके राइट्स में देख सकते हैं, पे आउट विद चेयरमैन फंड 1,00,000 आपका क्रॉस कर जाएगा। फंड के बिना 78,000 आएगा और अगर आप इसमें फंड्स भी जोड़ लेते हैं तो आपका 1,00,000 का पे आउट बन सकता है चेयरमैन लेवल पे, 100 बीवी मात्र से अगर आपने डुप्लीकेशन किया। अगर आप इसको 200 बीवी से अगर आप करते हैं तो आपका पे आउट 2,00,000 हो जाएगा। देखिए, ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये है पावर जहां पे आप छोटा खरीदी करवा के लोगों को बड़ा आप काम कर सकते हैं, बड़ी टीम बना सकते हैं। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन है ये साथियों। आगे बढ़ते हैं, 6 लोगों से अगर आप डुप्लीकेशन करते हैं तो साथियों मैं आपको बता दूं, आप लोग का आप भौचक्के हो जाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बार कर दे रहा हूं, ये जो है ये पे आउट है,
जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप 100 बीवी से भी अगर करते हैं, एम्बेसडर लेवल की बात कर रहा हूं, आपने आपके नीचे 6 लोगों को ज्वाइन कर लिया और 6 ने 6 को नीचे जोड़ दिया और 6 ने 6 को नीचे जोड़ दिया, तो पांचवे लेवल पे आपका 7776 लोग जुड़ जाएंगे। और अगर आपने 100 बीवी से 100-100 लोगों को, मतलब 100-100 बीवी से अगर आपने जुड़ना लोगों को सिखा दिया, तब भी आपका पे आउट 2.5 लाख रुपए आ सकता है। ये देखिए 2.5 लाख। अब मान के चलते हैं, आप प्रश्न ये करोगे, अरे सर आप ये जो बोल रहे हो ये 100% थोड़ी डुप्लीकेबल है। मानता हूं मैं बात को, 2.5 लाख का पे आउट आ सकता है, मैं मानता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें 50% अगर डुप्लीकेशन हुआ, 50% डुप्लीकेशन हुआ, तब भी आपको 2.25 लाख का पे आउट आ सकता है। चलो ठीक है, वो भी नहीं हुआ, अपनी किस्मत बहुत खराब है मान लो, उसका अगर 50% हुआ तो 2.25 लाख का आधा कितना होता है, 60,000 रुपए, 60,000 तो आ सकता है। अरे मैं कहता हूं 60,000, मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली बहुत बेकार है, पूरे शनि पूरे नाग बिच्छू सब तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए मान लिया, उसका तब भी अगर आधा 50% हुआ तब भी तो 30,000 रुपए पे आउट बनेगा भाई। खाली 100 बीवी के डुप्लीकेशन से। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो के और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जितने भी नए लोग जुड़ते हैं उनको पहले से जो है ना बड़ा इंजेक्शन मत लगाओ। हम लोग सब लोग घोड़े का इंजेक्शन लेके घूम रहे मार्केट में, जो दिखे उसको घोड़े का इंजेक्शन डाल दे रहे हैं। अरे भैया 2-2, 3-3 हजार बीवी मत डालो, पहले उसको छोटा इंजेक्शन लगाओ, 100-150-200 बीवी का इंजेक्शन लगाओ, वो छोटे सुई की उसको आदत होंगी, तब फिर जो है उसको तुम घोड़े का इंजेक्शन लगाना बाद में, तब बोलना उसको 500-1000 बीवी करो। तुम पहले जो उसको हाथी का इंजेक्शन लेके घूम रहे मार्केट में, जो दिखे उसको घुसेड़ दिए, 7500-7501 बीवी कर लो। अब 7501 बीवी करते करते उसके उसको माल बेचते बेचते उसके पूरे बाल झड़ जा रहे हैं उसके, कहां पे बेचेंगे वो माल, उसको मालूम ही नहीं है। पहले उसको 100-150-200 बीवी के घरेलू सामान तो उसको लेने की आदत डलवाओ, उसके बाद में उसको 75 पे लेके जाना, 7501 पे लेके जाना। समझ में आ रहा? तो ये अगर मेरी बात आपको कॉमन सेंस वाली लग रही है तो अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि हाँ सर आप जो बोल रहे हैं इसके अंदर है, इसके अंदर दिमाग है, लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुत ही जल्द एक मेरे लास्ट प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सभी लोग स्लाइड देख सकते हैं? सभी लोग ओके। साथियों, ये हो गया डुप्लीकेशन के ऊपर। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इस डुप्लीकेशन के आधार पे अपना बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके साथ में आ रही है, हमारी टीमों में आ रही है, वो ये है कि हमारी टीम में बहुत सारे दिमाग वाले लोग पैदा हो गए। ये मैं कटाक्ष में बोल रहा हूं कि बहुत दिमाग चला रहे हैं, और दिमाग कैसे चला रहे हैं, वो लोग बीवी होल्ड करके बैठे हुए हैं और उसको ये लग रहा कि मैं बीवी होल्ड कर लूंगा, बीवी मतलब तो धर्म पत्नी नहीं है, बीवी बोले तो बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, धर्म पत्नी को होल्ड करके रखिए, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम को होल्ड करना बहुत आपके सभी के लिए हानिकारक है। उसका मैं आपको अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसका मैं ये बताऊंगा। तो बहुत हमारे वहां दिमाग वाले लोग आ गए हैं जो सोच रहे हैं कि मैं सीधा सर एक ही बार में मैं जुड़ूंगा और सीधा क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं सर मैं जुड़ूंगा और सीधा मैं रूबी बनने वाला हूं, सर मैं पूरा बीवी जमा करूंगा, मैं कैनोपी लगाऊंगा, मैं रिटेल करूंगा, मैं कैंप लगाऊंगा, पूरा इकट्ठा करूंगा और एक ही साथ में मैं बनूंगा जब कंपनी 45,000 का 75,000 का जब ये देगी। तो ऐसे दिमाग वाले लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनंती है कि भैया आप ये काम ना करें। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीवी का क्या दुरुपयोग और सदुपयोग हो सकता है। आप सबसे प्रश्न है कि हम लोग इस बिजनेस में पैसा कैसे कमाते हैं, हम लोग इस बिजनेस में पैसा कैसे कमाते हैं जब हम
काम करते हैं और काम के माध्यम से हमको जब क्या होता है, हम जब काम करते तब, या हम जब काम करते तब नहीं आता पैसा, हम काम करते हैं और वो बीवी जो है, बिजनेस वॉल्यूम जो है वो हमारी आईडी पे जब गिरता है तभी हम पैसा कमाते हैं, तभी हमें पे आउट जनरेट होता है, तभी हमें कमीशन आता है। तो आईडी पे बीवी गिरना जरूरी है, आपकी आईडी पे और आपकी टीम के अंदर आईडी पे। अब मैं आपको बताता हूं कि बीवी का महत्व क्या है, बीवी का महत्व क्या है, हाउ डज बीवी, आपके अकाउंट में बीवी गिरता कैसे है, हाउ डज बीवी फॉल इन योर अकाउंट। आप आउटलेट वाले हो या आप, आपके एरिया में आउटलेट है, आपके एरिया में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके एरिया में स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है और यहाँ पे आप हो। अब जब आप खुद खरीदी करते हो, रिटेलिंग करते हो, वॉट एवर, या आपका टीम में कोई रिटेलिंग करता है, तो उसकी आईडी पे जब तक बिलिंग नहीं होगी तब तक आपके अकाउंट में बिजनेस वॉल्यूम नहीं आने वाला है। जब बिलिंग होगी तभी आपके अकाउंट में या आपके लोगों के अकाउंट में बीवी क्रेडिट होंगे, बराबर है। तो बिलिंग कराना अनिवार्य है। कभी भी आप कहीं पे भी जाके आउटलेट में, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर में, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर में जाके माल खरीदते हैं तो पक्का बिल लीजिए। अब व्हाट इज What is business volume? Business volume है क्या? ये business volume क्या है? आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है ऊपर चढ़ने का, एक पत्थर को धक्का मार रहा है और यही कंडीशन आपकी है। आप मार्केट में जाते हो, आप लोगों को प्लान दिखाते हो, वो आपको भगा देते हैं, फिर आप दिखाते हो, दूसरे को पकड़ते हो, मतलब आप लगातार प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो और यही आपका प्रयास दर्शा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। हम सभी लोग इसी प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दिन रात जूझे हुए हैं, ना धूप देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। और ये जो आपका जो हार्ड वर्क है, ये वो बिजनेस वॉल्यूम है, जो आप दिन रात मेहनत करते हो, जो आप मंथली मेहनत करते हो, वो उसका नतीजा है ये बिजनेस वॉल्यूम, जो आप आपकी आईडीज पे नहीं मरवाते हैं या होल्ड करके रखते हो। तो बिजनेस वॉल्यूम जो है ये आपके कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो आपका हक है। क्या है ये बिजनेस वॉल्यूम? ये जो बिजनेस वॉल्यूम है ये है पैसा जो आपके और आपके परिवार के सपने पूरे कर सकता है। ये बिजनेस वॉल्यूम मात्र बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, ये बिजनेस वॉल्यूम ये पैसा है जो आपको एक बड़ा घर दिला सकता है, आपको गाड़ी ले दिला सकता है, आपको विदेश की यात्रा करा सकता है, आपके सारे सपने पूरे करवा सकता है, ये है वो बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम की महत्वता क्या है? अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंसान पहले पूरा नीला पड़ा हुआ है और उसके शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके शरीर में, उसका दिल धड़कने लगा, उसके शरीर में रक्त का प्रवाह आया तो उसके अंदर फिर से जान आ गई। तो बिजनेस वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल हमारे शरीर में रक्त जैसे हमें जान देता है, वैसे ही बिजनेस वॉल्यूम हमारे बिजनेस के अंदर जान देता है। अगर आपके बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम नहीं गिर रहा है, अगर आपके टीम में बिलिंग नहीं हो रही है या आप खुद बिजनेस वॉल्यूम रोक के बैठे हो, तो आपका बिजनेस का अंत शुरू हो चुका है, मरना शुरू हो गया आपका बिजनेस, ये ध्यान रखिएगा। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है? ये बिजनेस वॉल्यूम उस पोषक तत्व के जैसा है, वो पोषक आहार के जैसा है जिसकी हम सबको जरूरत है। जैसे इंसान को खाने की जरूरत है, जैसे इंसान को पोषण चाहिए रोज,
सुबह दोपहर शाम नाश्ता भोजन करता है, वैसे ही ये बिजनेस वॉल्यूम हमारे बिजनेस का पोर्शन है। अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस वॉल्यूम का पोर्शन नहीं देंगे तो ये बिजनेस वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा आपका। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है? ये बिजनेस वॉल्यूम जो है ये आपकी गाड़ी में लगने वाला ईंधन है। जैसे आपकी गाड़ी को ईंधन लगता है, बिना ईंधन के आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है, वैसे ही बिना बिजनेस वॉल्यूम के आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला है। ये उसी ईंधन के जैसा है बिजनेस वॉल्यूम, तो इसको रोकिए मत, इसको चलने दीजिए। आप होल्डिंग योर बीवी इज लाइक, आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को जब रोक देते हो तो पता है क्या असर होता है? एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो, स्लाइड नहीं चेंज हो रही है, स्लाइड तो आ रही है, स्लाइड नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूं। मेरी स्लाइड नहीं दिख रही है आप लोग को? स्लाइड नहीं दिख रही है? ओके ठीक है, फिर से मैं चेंज करता हूं। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच आया होगा। ये स्लाइड कहां से दिखना बंद हो गया था? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं पहले से स्टार्टिंग से कर लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, दो मिनट में हो जाएगा। अभी आप लोग को स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड दिख रही है अभी? राइट, ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि ये बीवी की महत्वता क्या है। ये बीवी का महत्व ये है कि ये बीवी रक्त के समान है जो एक बेजान शरीर के अंदर जान डाल सकता है। तो अगर बीवी नहीं है आपके बिजनेस में, नहीं गिर रहे लगातार, या आप होल्ड करके रखे हो, तो आपका जो एक शरीर रूपी जो बिजनेस है वो भी जो है रक्त के प्रवाह के अभाव में आके खत्म हो जाएगा। जैसा रक्त के प्रभाव में शरीर काम करता है, तो उसका अगर प्रवाह बंद हो गया तो उसके प्रभाव में आके शरीर मर जाता है। वैसे ही अगर बीवी का प्रवाह आपके बिजनेस में नहीं है, अगर बीवी लगातार नहीं आएगा आपका बिजनेस में, तो आपका बिजनेस भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्लाइड दिख रही है आपको? स्लाइड चेंज हुई दिखी? स्लाइड चेंज हुई? राइट, ये बीवी बिल्कुल उसी तरह से है जैसा एक इंसान को पोषण चाहिए, जैसा एक इंसान को रोज खाना जरूरी है, वैसे ही आपके बिजनेस में भी रोज बीवी गिरना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में बीवी गिरना चाहिए, ये बीवी आपके बिजनेस का पोषण है। स्लाइड चेंज कर रहा हूं, देखिए आपको ये स्लाइड, स्लाइड चेंज हो गई है? येलो स्लाइड दिख रही है? यस, ओके। आपके बिजनेस में बीवी का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे आपकी गाड़ी को, आपकी कार को या बाइक को ईंधन लगता है, वैसे ही आपके बिजनेस को ईंधन स्वरूपी है बिजनेस वॉल्यूम। इट्स लाइक फ्यूल इन योर व्हीकल। अगर आपके बिजनेस में बीवी अगर नहीं गिर रहा है यार, आपने रोक के रखा है, तो आपकी भी बिजनेस की गाड़ी बंद पड़ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? राइट, सो होल्डिंग इज लाइक, बीवी होल्ड करना हम किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं? जैसे अगर आपके दिल को खून मिलना बंद हो जाए तो उसको हार्ट अटैक आएगा, वैसे ही अगर आपके बिजनेस में बीवी आना रुक गया तो आपका बिजनेस को भी हार्ट अटैक आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है।
अगर आपने आपके बिजनेस में बीवी डालना बंद कर दिया तो आपका शरीर जो है वो स्टार्वेशन हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। आप देख सकते हैं, है तो दिखने के लिए शेर, लेकिन इसको सही खाना नहीं मिला, इस वजह से इसकी पूरी हड्डियां दिख रही है। देख पा रहे हैं शेर का, शेर देख पा रहे हैं? तो आपके बिजनेस के लिए पोषण होना बहुत जरूरी है, और वो पोषण है सिर्फ और सिर्फ बीवी। बोलने से नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके बिजनेस के अंदर बीवी नहीं आ रहा है, मतलब आपका बिजनेस को कुपोषण का शिकार हो जाएगा और धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाएगा। होल्डिंग योर बीवी इज लाइक, आप देख सकते हैं क्रैश हो रहा है एक प्लेन, और बड़ी बड़ी जब यात्राएं करता है कोई भी, एक हवाई जहाज बड़ी बड़ी कोई यात्रा करता है तो वो लगातार अलग अलग एयरपोर्ट पे जाके अपने आप को रिफ्यूल करता है, और अगर रिफ्यूलिंग नहीं हुई वो जहाज की तो वो मान लीजिए इंडिया से उसको जाना है यूएसए, तो 16-18 घंटे की फ्लाइट होती है, तो 16-18 घंटे का ईंधन कोई भी फ्लाइट नहीं लेके जा सकती है, तो उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, दुबई में उतर के वो फिर से रिफ्यूलिंग करेंगे। तो वैसे ही अगर अगर रिफ्यूलिंग नहीं किया तो ये जो जैसे प्लेन क्रैश हो रहा है वैसा आपका भी बिजनेस क्रैश हो जाएगा। तो आपको रिफ्यूल करना पड़ेगा बार बार, बिजनेस वॉल्यूम जो है आपके बिजनेस को रिफ्यूल करता है, आपके बिजनेस को मोमेंटम देने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपने बिजनेस वॉल्यूम रोक दिए या आपकी टीम में रुकवा है तो समझ लीजिएगा कि आपका भी बिजनेस क्रैश होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें बिजनेस वॉल्यूम क्यों नहीं होल्ड करना चाहिए, अब उसके कारण बताता हूं मैं आपको। आप देख सकते हैं एक बंदर है और उसका कौन है, उसका मालिक है। देखिए क्या कर रहा है बंदर, बंदर वही कर रहा है जो उसका मालिक कर रहा है। मालिक ने मुंह खोला, बंदर ने भी मुंह खोला, तो ये जो है सेम डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। आपने अपना बीवी रोका, आपका देखिए देखी आपका टीम आपका पूरा बिजनेस वॉल्यूम रोकना शुरू करेगा। आपने किसी आउटलेट के पास में जाके बोला कि भैया मेरा बीवी मत डाल, तो वो आउटलेट वाला बाकी एसोसिएट्स को भी बोलेगा, अरे वो आपके सर तो आए थे, वो तो बिजनेस वॉल्यूम डाले नहीं, आप क्यों डाल रहे हो, तो तुम्हारी पूरी टीम ने बिजनेस वॉल्यूम डालना बंद कर दिया, तो सेम डुप्लीकेट होगा। तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, समझ लीजिएगा, जो आप करोगे वही आपकी टीम करने वाली है। व्हाई वी शुड नॉट होल्ड बीवी, आपके सामने दिख रही है पर्स खाली है, आपको बीवी क्यों नहीं होल्ड करना चाहिए, ताकि आपकी जीवन भर पर्स खाली ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्स में हमेशा पैसे रहे, आपके बैंक अकाउंट में हमेशा पैसे रहे, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने कचिंग 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 आवाज आनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो आपको कभी भी बीवी होल्ड नहीं करना चाहिए। Why we should not hold बीवी, हमें बीवी क्यों होल्ड नहीं करना चाहिए। देखिए इस व्यक्ति को, एक बार गिरा फिर से दूसरी बार गिरा, एक बार गिरा फिर से दूसरी बार गिरा, तो अगर आपने बीवी रोका तो आप लगातार गिरेंगे और आप असफल हो जाएंगे। एक बार नहीं, लगातार गिरोगे, दो बार गिरोगे, तीन बार गिरोगे, आपका बिजनेस गिरता जाएगा और अंत में आपका बिजनेस टोटल खत्म हो जाएगा, अगर आपने बीवी रोकने की आदत को नहीं बदला। बहुत से लोगों को ये आदत बन गई है बीवी रोकने की, उनको मजा आती है, उनको लगता है यार मैं अपना बीवी रोकूंगा मेरे अपलाइन का भी जो है लेवल छूट जाएगा, लोगों को मजा आ रही है बीवी रोकने में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्या होगा आगे। वाई वी शुड नॉट होल्ड बीवी, दिख रहा आपके सामने गंगा जमुना सरस्वती बह रही इसकी आंखों से, वैसे ही आपके लोगों आपकी भी आंखों से बहती है जब आपका आउटलेट वाला या टीडी वाला बीवी बेच डालता किसी और को, जब चोरी हो जाता है, जब मना कर देता है, आपने मेहनत कर करके एक एक दो दो तीन तीन महीना मेहनत करके बीवी इकट्ठा किया 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की एक बार में डालूंगा, और पता चला एक रात उसने बीवी मार के उसने अपनी लेवल ले ली, तब आप रोते हो ऐसे अपने अपलाइन के पास में, मैनेजमेंट के पास में, कि वो मेरा बीवी खा गया,
वो मेरा बीवी चुरा गया। साथियों, अगर आप ये दर्दनाक हादसे से बचना चाहते हो तो बीवी मत रोको। आगे अपना काम अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बीवी मत रोको। हमें बीवी क्यों नहीं रोकना चाहिए? देखिए गौर से इस व्यक्ति को, डूब रहा है, दलदल में फंसा हुआ है, हेल्प मांग रहा है अपने अपलाइन की। उसने हाथ भी दिया अपने अपलाइन ने, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, अंत में वो डूब गया, धस गया वो दलदल में। क्या आपको ये स्क्रीन दिख रही है? क्या ये वीडियो दिख रहा है? सोचिए, यही हाल होता है जो बीवी रोकता है। उसको लगता है कि बहुत बड़ा मैंने काम किया है, उसको लगता है मजे है, मैं बीवी रोक के बैठा हूं, लेकिन अंत में वो भी ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां पे ना उसका अपलाइन मदद कर सकता है, ना कोई एएम मदद कर सकता है, ना कोई रीजनल हेड मदद कर सकता है, ना मैनेजमेंट मदद कर सकती है आपका। टोटल एंड ऑफ योर ड्रीम्स, टोटल एंड ऑफ योर बिजनेस, टोटल एंड ऑफ योर करियर। और बीवी होल्ड करने की वजह से आपके सपनों का अंत हो सकता है, आपके बिजनेस का अंत हो सकता है, आपके टोटल करियर का एंड हो सकता है। इतना इतना ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है। अब हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपको जो बात बोल रहा हूं वो मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। दो उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, आपने आईडी लगा ली है, आप बहुत अच्छा रिटेलिंग करते हैं, आपने रिटेल करना स्टार्ट किया, पहले महीने आपने क्या किया, 15-20 हजार का माल बेच दिया, ठीक है, लेकिन आपने बीवी होल्ड कर दिया, बिलिंग नहीं कराई आपने, तो आपको कंपनी से कोई चेक नहीं आने वाला है, बात सही है। अब दूसरा महीना आपने और बिजनेस वॉल्यूम जो है और माल बेचा और आपकी वृद्धि हुई रिटेलिंग की, लेकिन आपने फिर से बीवी होल्ड किया, आपको कंपनी से कोई कमीशन नहीं आया। तीसरा महीना वही हुआ। चौथा महीना आपने क्या किया, जितना पिछले 3 महीने का था और चौथे महीने का बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा आपने एक लेवल लेने के लिए डाल दिया और सडनली आपकी इनकम जो है वो 30,000 रुपये आ गई। खूब आपने तालियां बटोरी, खूब आपने बोला ये जबरदस्त 30,000 रुपये आ गए, आपकी खूब वाहवाही हुई, आपके अपलाइन ने भी खूब आपको शाबाशी दी, ये सब हुआ। फिर से आपने वही काम किया, पांचवें महीने आपने रिटेलिंग की, आप टीम नहीं बना रहे हो, आपने टीम पे काम नहीं किया, आपने खाली रिटेलिंग किए जा रहे हो। फिर से छठवें महीने आपने रिटेलिंग की, बीवी होल्ड कर दिया, सातवें महीने आपने रिटेलिंग की, बीवी होल्ड कर दिया, और आठवें महीने आपने बाकी जो पीछे का 4 महीने का बीवी मिला के डाल दिया, आपकी फिर से सडनली इनकम हुआ वो है 45,000 रुपये। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे 45,000 दिख रहा है, राइट। अब ये 8 महीनों में आपकी टोटल इनकम हुई है 75,000, 30,000 चौथे महीने में और आठवें महीने में 45,000, ठीक बात है। मतलब 6 महीना जो है वो था क्या, सूखा, और 2 महीना था खूब बारिश। बढ़िया, यही हुआ, ऐसे ही होता है जो बीवी होल्ड करता है कि 2-3 महीना खूब बीवी डालेगा नहीं, और एकदम से चौथे पांचवें महीने एकदम से लेवल भी बढ़ गया और खूब पैसा भी आ गया। ये पहला आपका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जैसा आपके अपलाइन ने बताया था वैसा आपने काम करना शुरू किया, आपने मीटिंग में आना शुरू किया, आपने लोगों के साथ में छोटी मोटी मीटिंग की, होम मीटिंग की, लोगों को जोड़ना चालू किया और उनको छोटा छोटा आपने डुप्लीकेशन 200-500 बीवी से जोड़ना शुरू किया। पहले महीने का चेक बना आपका 1200, दूसरे महीने का चेक बना आपका 3200, तीसरे महीने का चेक बना आपका 5300, चौथे महीने का चेक बना आपका 7700। मतलब आपका बढ़ते क्रम में आपका चेक बढ़ते जा रहा है। पांचवें महीने में आपका बना 58,900, छठवें महीने में बना 11,900 का, सातवें महीने में बना 14,200 का, आठवें महीने में बना आपका 16,500 का। मतलब आपने शुरू किया 1200 रुपए से पहले महीने में और आठवें महीने में आपका 16,500 का चेक आया। मैं ये बता रहा हूं कि आपने धीरे धीरे टीम बना के ये काम किया, आपने बिजनेस वॉल्यूम होल्ड नहीं किया, आपने बिजनेस वॉल्यूम होल्ड करने की जो आदत है वो आपकी टीम में नहीं डाली, आपने भी नहीं किया और आपकी टीम में भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे हर महीना आपका बढ़ती क्रम में आपका पे आउट बढ़ते गया, पहले महीने में 1200 और
आठवें महीने में 16,500। अगर आप इसका टोटल भी करोगे तो पे आउट टोटल हो रहा है 69,800। अब ये पे आउट जो है, जो पहला उदाहरण है, उससे कम आया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब मार्केट में किसी को आपका पे आउट दिखाओगे, किसी को प्लान दिखा रहे हो, तो आपको कौन सा पे आउट, कौन सा उदाहरण वाला पे आउट दिखाना अच्छा लगेगा? या ये पे आउट कि भैया 3 महीना खूब काम करता हूं 30,000 आता है, फिर 3 महीना खूब काम करता हूं 40,000 आता है, या उसको आप बढ़ते क्रम में बताते हो कि भाई साहब 1200 आता है, फिर 3200 आता है, फिर 5300 आता है, फिर 7700 आता है, फिर 5800 आता है, फिर 11,000 आता है। क्या लगता है आपको कौन सा ज्यादा प्रभावी रहेगा, नंबर एक उदाहरण या नंबर दो? आप अपनी उंगली से बता सकते हैं, मुझे बताइए कि नंबर एक उदाहरण ज्यादा प्रभावी लग रहा है कि आपको नंबर दो प्रभावी लग रहा है? कौन सा उदाहरण आपको ज्यादा प्रभावी? सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी उंगली दिखा के मुझे बताएं कि उदाहरण एक ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है, प्रभावी लग रहा है, या नंबर दो प्रभावी ज्यादा लग रहा है। मैं सभी की प्रतिक्रियाएं देखना चाहता हूं। सभी लोग अपनी दिखाइए, अपने कैमरा के सामने रख के दिखाओ, मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत सारे लोग नहीं दिख पा रहे। एक आपको मतलब 75,000 अच्छा दिख रहा है या 70,000 का पे आउट आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। सभी लोग, ऑलमोस्ट 100% लोग कह रहे हैं कि उनको उदाहरण नंबर दो अच्छा लग रहा है। हर महीना इनकम आना अच्छी बात है, हर महीना बढ़ते क्रम में इनकम आना अच्छी बात है, और ये इनकम आप लोगों को बताओगे बाहर तो वो खुद भी जो है प्रेरित होंगे कि भाई साहब ये ऐसा बिजनेस है जहां पे लगातार हर महीना हल्का हल्का बढ़ती क्रम में पैसा आता है। तो साथियों, अब आपने डिसाइड करना है कि एक बार में पूरा बीवी ठोक के चेयरमैन बनना है, एक बार में बीवी बन के ठोक के चेयरमैन बनना है, या धीरे धीरे करके सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़ना है। निर्णय आपका है। तो साथियों, आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है, क्या आप सभी लोग मुझे देख सकते हैं? हेलो, राइट। सो आज के इस प्रेजेंटेशन से आपने जो भी सीखा वो अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए, अपने डाउनलाइंस तक पहुंचाइए। हमने आज दो तीन बातें मुख्य सीखी है। सबसे पहली चीज कि कैसे हम अपने इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस के लोगों को हम इस बिजनेस में ला सकते हैं, उनको कैसे प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, उनको कैसे जूम मीटिंग में, ऐसी कोई मीटिंग में हम लोग इन्वाइट कर सकते हैं, और कैसे इस लॉकडाउन का हम लोग प्रभावित रूप से पूरा फायदा उठा सकते हैं। सेकेंड बात कि बिजनेस वॉल्यूम रोकना आपके बिजनेस के लिए बहुत ही डेंजरस है, मैंने उसके आपके कारण बता दिए। और तीसरी बात डुप्लीकेशन के ऊपर हमने की कि डुप्लीकेशन जो करना है वो छोटा डुप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। छोटा डुप्लीकेशन आपको बड़ा पे आउट और बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो साथियों, आज हमारे साथ में करीब 500 लोग इस मीटिंग में थे, 500 पीपल एट अ टाइम। देखिए, आज टेक्नोलॉजी ने मुझे यहाँ पे घर बैठे हुए, आपको घर बैठे हुए, हमको कितना कनेक्ट कर दिया। आज 500 लोगों की मीटिंग हो गई, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग से आप लोग कुछ पॉइंट लेके जाएंगे और अपनी टीमों में इसको अप्लाई करेंगे। और हमारा यही प्रयत्न है कि आप सभी को नई नई चीज़ों से अवगत कराएं, नए नए टेक्नोलॉजी से नई नई ट्रेनिंग्स आपको दें, नया कंटेंट दें, ताकि आप अपने बिजनेस को सुचारू रूप से खूब तेजी से आगे बढ़ा सकें। मैं आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने अपना एक कीमती समय निकाल के आज यहां पे मेरे साथ में अपना 2 घंटा मूल्यवान वक्त मेरे साथ में बिताया। और आने वाले 48 घंटे में मैं आप सबसे वादा लेना चाहता हूं कि आने वाले 48 घंटे में जो आज ये 2-3 कंसेप्ट हमने सीखे हैं वो हम अपनी टीम्स तक लेके जाएंगे। कितने लोग लेके जाएंगे एक बार अपना हाथ खड़ा करें, कितने लोग अपने? वेरी गुड। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक हमारी आज की जो होस्ट है आफरीन जी को, जिन्होंने आज होस्टिंग की है।
सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, गुड आईएमसी. आफरीन जी की तरफ मैं स्पीकर रादर माइक्रोफोन हैंड ओवर करता हूँ. सो शी विल टेक ऑन फ्रॉम हियर. थैंक यू वेरी मच अगेन, गुड आईएमसी, गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड फाइनली जितने भी हमारे मिलियनर क्लब है, जितने भी हमारे लखपति वाले हैं जो आज इस मीटिंग में है, उन लोग को सबको मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं. और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग आने वाले समय में सभी लोग लखपति क्लब, मिलियनर क्लब और कोहिनूर बने, यही ईश्वर से प्रार्थना है. थैंक यू वेरी मच, गुड आई एम सी, ओवर टू यू आफरीन. ओके सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल था हम सभी के लिए. और ये थे हम सभी के चहेते प्रेसिडेंट स्टार फ्रॉम हैदराबाद, डॉक्टर अख्तर खानवाला जी. तो मैं चाहूंगी कि जितनी बेहतरीन और इतनी जबरदस्त सेशन और ट्रेनिंग इन्होंने दी हम इस जूम ऐप के माध्यम से, तो उससे भी जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करेंगे. जोरदार होनी चाहिए. आई वुड रिक्वेस्ट माय ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहे हैं कि अनम्यूट करें एक बार, और यू शुड हियर कि ऑडियंस आपको कैसे थैंक्स कर रही है. तो एक बार अख्तर जी के सम्मान में. तो साथियों, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी अगले समय, अगले टाइम पे. टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर कमिंग.